सो हाय फ्रेंड्स, वेरी गुड इवनिंग। मैं आपके लिए लेके आ गया हूँ इकोनॉमिक सर्वे 2022-23। ठीक है, सो फ्रेंड्स लेट्स बिगिन। तो ये फोटो आप देख पा रहे हो, ये फोटो किसका है आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। ऑब्वियसली यू नो इट फ्रॉम यस्टरडेज वीडियो, ही इज नन अदर देन द ऑथर ऑफ इकोनॉमिक सर्वे। ठीक है, बट इट्स नॉट कि इन्होंने पूरे इकोनॉमिक सर्वे को अकेले लिखा है। इकोनॉमिक सर्वे बेसिकली होता क्या है, उस प्रोसेस को अगर समझेंगे तब इनके रोल को हम और बेटर तरीके से समझ पाएंगे। सो देर किस बात का, शुरू करते हैं फ्रेंड्स। वेरी गुड इवनिंग एंड वेलकम टू IXMB। आई होप आप ये पूरे सेशन तक बने रहोगे बिकॉज यू विल गेट टू लर्न इकोनॉमिक सर्वे इन मच डेप्थ। सो फ्रेंड्स सबसे पहले शुरू करेंगे व्हाट इज इकोनॉमिक सर्वे। देखो मैंने लिखा बहुत कुछ है, राइट? ये मैंने लिखा इसलिए है ताकि आप जब इस PDF को डाउनलोड करो आप उससे कुछ मीनिंगफुल आउटकम ले पाओ, लेकिन मैं क्या बोल रहा हूँ वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इकोनॉमिक सर्वे बेसिकली कुछ नहीं है, एक डॉक्यूमेंट है जो गवर्नमेंट को दिया जाता है। सो इट्स ए फ्लैगशिप डॉक्यूमेंट ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। मतलब ये डॉक्यूमेंट जो है ये इकोनॉमिक एंड इकोनॉमिस्ट के एंगल से देश में क्या चल रहा है एंड क्या करना चाहिए। मतलब देखो एक देश का जो इकोनॉमी है ये बहुत सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, राइट? चाहे इंटरनल हो एक्सटर्नल हो एंड इवन समथिंग इज नॉट इकोनॉमिक, राइट? तो वो सारा भी इकोनॉमिक फैक्टर्स को इन्फ्लुएंस करता है एंड हाउ शुड गवर्नमेंट रेस्पॉन्ड टू इट। क्योंकि हर चीज के लिए क्या चाहिए, बजटरी सपोर्ट चाहिए। तो वो सपोर्ट किस सेक्टर पे ज्यादा जाना चाहिए, कैसे देश को जो भी अपकमिंग चैलेंजेस हैं या पास्ट में जो चैलेंजेस ने मतलब चैलेंजेस को गवर्नमेंट ने किस प्रकार से फाइट किया है, वो सारा चीज आपको इकोनॉमिक सर्वे में इन मच डेप्थ मिलता है। अगर मैं सेक्टर्स की बात करूं तो यू विल हैव यू नो डिटेल एनालिसिस ऑफ ऑलमोस्ट ऑल द सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी, चाहे एग्रीकल्चर हो, सर्विस इंडस्ट्री हो, मैन्युफैक्चरिंग हो, राइट? एवरी हर सेक्टर्स के बारे में इकोनॉमिक सर्वे में आपको मिल जाएगा। अगर हम इकोनॉमिक सर्वे के हिस्ट्री की बात करें तो ये जो डॉक्यूमेंट है सबसे पहले 1950-51 में पब्लिश हुआ था, बट ये एक बजट का पार्ट था। उसके बाद दोनों को सेपरेट किया गया। बजट क्या है, बजट का मतलब देश के पास कितना पैसा आया और उस पैसे को कैसे गवर्नमेंट खर्च करना चाहती है, वो सारा डिटेल बजट में रहता है जो कि हम कल के लाइव स्ट्रीम में देखेंगे, राइट? लेकिन आज हम इकोनॉमिक सर्वे देख रहे हैं जो कि गवर्नमेंट ने क्या किया है एंड आगे जो चैलेंजेस है उसको किस प्रकार टैकल करना है, ये चीज इस सर्वे में लिखा हुआ है। तो 1964 में ये दोनों डॉक्यूमेंट को सेपरेट किया गया। तो हिस्ट्री में बस इतना ही पढ़ते हैं, अब सीधा चलते हैं हम चैप्टर 1 में। तो इस साल का जो इकोनॉमिक सर्वे है ये टोटल 12 चैप्टर्स में डिवाइडेड है। ऑब्वियसली वी विल सी ऑल दोस 12 चैप्टर्स इन दैट क्रोनोलॉजी, राइट? तो शुरू करते हैं। सबसे पहला चैप्टर जिसका नाम है स्टेट ऑफ द इकोनॉमी 2022-23 रिकवरी कंप्लीट। तो आप देख पा रहे हो चैप्टर के नाम में ही चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर ने लिख दिया है रिकवरी कंप्लीट। तो किस बात का रिकवरी, तो मतलब कुछ तो गलत हुआ था या कुछ तो प्रॉब्लम्स थे इकोनॉमी में, तो वो क्या थे? देखो एज पर दी सर्वे उन्होंने बोल रहे कि देर वेर 3 प्रॉब्लम्स जो हम पहले भी देख चुके हैं। मतलब ये जो 3 प्रॉब्लम का बात इकोनॉमिक सर्वे में किया जा रहा है इट्स नॉट समथिंग न्यू बिकॉज ये सेम 3 प्रॉब्लम का बात ऑलरेडी वर्ल्ड बैंक कर चुका है पहले भी। नंबर 1 इज रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट, नंबर 2 इज पैंडमिक। ऑब्वियसली मतलब ये इन एक क्रोनोलॉजी पे नहीं है, ये तीनों है, पैंडेमिक है, रशिया यूक्रेन का कॉन्फ्लिक्ट है एंड है इन्फ्लेशन। तो पैंडेमिक की वजह से क्या हुआ, पैंडेमिक की वजह से पूरा ग्लोबल इकोनॉमी ऑलमोस्ट हॉल्ट पे आ गया जिसके वजह से आउटपुट हिट हुआ, राइट? मतलब देखो लॉकडाउन पे क्या हुआ, लोग घर पे थे। अगर लोग घर पे थे तो ऑब्वियसली उन्होंने कुछ खरीदा नहीं, मतलब देर वेर नो डिमांड्स एंड वेन देर इज नो डिमांड ऑब्वियसली द प्रोडक्शन वॉज कंप्लीटली इन टू दी हॉल्ट। मतलब जो आउटपुट है वही बंद था एंड वेन द आउटपुट इज कंप्लीटली स्टॉप्ड और इवन फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम इट इज स्टॉप्ड, देन इकोनॉमी में बहुत सारे चैलेंजेस सामने आते हैं, राइट? एक होता है इन्फ्लेशन, दूसरा अनएम्प्लॉयमेंट, मतलब बहुत सारे चैलेंजेस हैं। उसके बाद रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट, रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट से सबसे मेजर प्रॉब्लम यह हुआ कि ग्लोबल सप्लाई चेन हिट हो गया बिकॉज रशिया एंड यूक्रेन का जो रीजन है दिस वेयर दी
एक तो रशिया बहुत बड़ा गैस और एनर्जी सप्लायर है, चाहे यूरोप को हो या चाहे बाकी वर्ल्ड को हो। एंड यूक्रेन इज वन ऑफ द बिगेस्ट सप्लायर ऑफ व्हीट। तो देखो, खाना और लॉजिस्टिक, अब मैं लॉजिस्टिक क्यों बोल रहा हूँ, क्रूड ऑयल का प्राइस अगर बढ़ गया या क्रूड ऑयल अगर हिट हुआ है तो सिंपल सी बात है, प्रॉब्लम किसको होगा? लॉजिस्टिक सेक्टर को होगा, राइट, जो सामान इधर से उधर लेके जा रहा है। तो ये वॉर के वजह से एक सिंपल बात हमको ये समझ में आता है कि ग्लोबल सप्लाई चेन भी हिट हुआ और प्राइस ऑफ एनर्जी हैज गॉन अप, एंड दिस इज नॉट फॉर एनी पर्टिकुलर कंट्री, दिस इज फॉर द एंटायर वर्ल्ड। इवन दो ये सारे प्रॉब्लम के वजह से, मतलब ये सारा प्रॉब्लम एग्जिस्ट था, उसके बावजूद रिकवरी जो है वो कंप्लीट बोला जा रहा है। तो इसका मतलब हमको एज एन स्टूडेंट, राइट, हमको ये समझना है कि ये रिकवरी कंप्लीट क्यों बोला जा रहा है एंड कैसे। तो सबसे पहले रीजन हम देखेंगे, दैट इज कैपिटल एक्सपेंडिचर, जिसमें बताया गया है इट ग्रू एट एन एवरेज ऑफ 13%। आप देखो, फाइनेंशियल ईयर 12 से अगर आप फाइनेंशियल ईयर 22, मतलब ये रिवाइज एस्टिमेट है बजट का, ठीक है, आर ई का मतलब रिवाइज एस्टिमेट, तो आप देखो अगर इसमें मैं ट्रेंड लाइन ड्रॉ करूं तो एकदम ऊपर उठता हुआ मुझे दिख रहा है, राइट, ऊपर उठता हुआ दिख रहा है। आप यहां पे देखो, सेंट्रल गवर्नमेंट का एंड स्टेट गवर्नमेंट का शेयर ऑलमोस्ट सिमिलर है, बट आप यहां से देखो, मतलब फाइनेंशियल ईयर 21 से फाइनेंशियल ईयर 22 का डिफरेंस को आप देखो, बहुत बड़ा डिफरेंस है। सो दिस शोज दैट ये जो तीन मेजर प्रॉब्लम यहां पे बताया गया है, इस प्रॉब्लम को फाइट करने के लिए दी गवर्नमेंट हैज ऑप्टेड फॉर कैपिटल एक्सपेंडिचर, बिकॉज कैपिटल एक्सपेंडिचर से होता क्या है। अब ये समझते हैं कि व्हाट इज कैपिटल एक्सपेंडिचर। देखो, एक्सपेंडिचर मतलब खर्चा, एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर का मतलब ये है कि एसेट क्रिएशन, मतलब इन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट ऐसी जगह पे कर रही है जिसमें फ्यूचर में रेवेन्यू मिल पाए, मतलब सस्टेनेबिलिटी। मान के चलो, आप एक एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं, राइट, आपके पास 10 लाख रुपए हैं और आपको कार खरीदना है, तो आप अगर पर्सनल गाड़ी खरीदते हो तो वो आपका क्या होगा, दैट इज एन एसेट, बट उससे आप कुछ कमा नहीं पाओगे, वो आपके पर्सनल यूज के लिए है। लेकिन मान के चलो आप ये गाड़ी खरीद के आप ओला उबेर जैसे कोई प्लेटफॉर्म में आप गाड़ी ड्राइवर के थ्रू चलवाते हो, उससे आपको एक वैल्यू मिलेगा, मतलब आपका एक रेवेन्यू जनरेट होगा, सो दैट इज कॉल्ड कैपिटल एक्सपेंडिचर, ठीक है। मतलब एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल से मैंने आपको समझाया व्हाट इज कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर यहां पे बढ़ाया गया, राइट, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, और भी बहुत कुछ हुआ है। अब हम देखते हैं पूरे दुनिया में, अगर हम देखेंगे तो जो भी, मतलब ये तो आईएमएफ का सोर्स है, लेकिन अगर हम आईएमएफ के सोर्स को छोड़ भी देंगे, बाकी सारे सोर्सेस को भी अगर आप देखोगे तो सारा सोर्सेस ये बोलता है कि इंडिया इज दी, मतलब इंडिया का जो इकोनॉमी है दैट वुड ग्रो फास्टर देन एनीबडी एल्स। उसके पीछे का रीजन इज दी रोबस्ट यू नो डिसीजन दैट एंटायर इकोनॉमी, मतलब जितने भी डिसीजन हुए, चाहे वो गवर्नमेंट साइड से हो, आरबीआई के साइड से हो, या एनी अदर रेगुलेटरी बॉडी के साइड से हो। तो हम तो पूरा चीज को एनालाइज करेंगे पूरे आगे लेक्चर में। तो अभी हम बात करते हैं यहाँ पे आईएमएफ की। अगर आप आईएमएफ को देखोगे तो 2022, 2023 का जो ग्रोथ प्रोजेक्शन है ये आप देखो, राइट, तो इंडिया का देखो और बाकी सारे लोगों का देखो। सो इट्स समथिंग यू नो दैट नॉट ओनली इंडिया एंड दी इंडियन इंस्टीट्यूशन आर टॉकिंग अबाउट, इट्स समथिंग यू नो एंटायर वर्ल्ड इज टॉकिंग अबाउट। अगर हम इकोनॉमिक सर्वे को छोड़ के अगर 2-3 दिन पहले के न्यूज़ को देखेंगे तो भी जो न्यूज़ बाहर आया है फ्रॉम वर्ल्ड बैंक एंड फ्रॉम द आईएमएफ, इट्स अबाउट यू नो मतलब उनका भी जो आउटलुक है इंडिया के ऊपर, दैट इज ऑन द सेम लाइन कि इंडिया वुड बी वन ऑफ द हाईएस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी इन द वर्ल्ड, ठीक है, जो ग्रोथ फॉरकास्ट है वो बहुत अच्छा है। अच्छा, एक चीज एमसीक्यू के लिए आपको याद ये रखना है कि एवरेज ग्रोथ कितना आ रहा है, 6.9%, ठीक है। इंडियाज ग्रोथ प्रोजेक्शन बाई वेरियस एजेंसी फॉर FY23, मतलब जो अभी करेंटली चल रहा है, 31 मार्च 2023 को खत्म हो जाएगा FY23, एवरेज ग्रोथ कितना है, 6.9%। ये अलग अलग का अलग अलग है, ठीक है। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट स्लाइड में, एंड ये समझते हैं कि सीपीआई इन्फ्लेशन।
देखो मैंने अभी पिछले वाले स्लाइड में क्या बताया था कि अलग अलग इंस्टीट्यूशन अलग अलग डिसीजन लिए हैं। सो जो पूरे इकोनॉमी को मैनेज करने का काम है, इट्स नॉट समथिंग दैट गवर्नमेंट हैज डन अलोन, राइट? इट्स एवरीवन्स कलेक्टिव राइट डिसीजन एट द राइट टाइम हैज पुट इंडियन इकोनॉमी ऑन ट्रैक। दिस इज एज पर द इकोनॉमिक सर्वे। अगर हम इन्फ्लेशन की बात करें तो देखो इन्फ्लेशन वॉज ऑन दी हायर साइड, मतलब आरबीआई के टॉलरेंस बैंड के ऊपर में था, जो नवंबर के बाद से वो टॉलरेंस बैंड के नीचे आ गया, राइट? तो इसका मतलब ये नहीं है कि आरबीआई ने कुछ नहीं किया। आरबीआई तो रेपो रेट कंटिन्यू बढ़ाता गया, तो वो रेपो रेट की वजह से इन्फ्लेशन ट्रैक पे आया। सो दिस मीन्स द एक्शन टेकन बाय द आरबीआई वॉज ऑन द राइट डायरेक्शन, ये इकोनॉमिक सर्वे भी बता रहा है। लेकिन यहाँ पे एक चीज आप देखो, इंडियन रूपी परफॉर्म्ड वेल कंपेयर टू अदर इमर्जिंग मार्केट। अभी ये जो 8.8 है आप देख पा रहे हो, व्हाट इज दिस? लेट्स से इफ द प्राइस ऑफ डॉलर इज, मतलब जो कन्वर्शन रेट है, लेट्स से इफ इट इज 1, तो राइट नाउ वो 8.8 पे है। तो 8.8% इंक्रीज होने के बाद भी इफ यू कंपेयर द डिप्रिसिएशन दैट इंडियन रूपी हैज सॉ इन अगेंस्ट ऑफ यूएस डॉलर, एंड अगर हम INR वर्सेस USD को छोड़ के अगर हम USD को लेट्स से साउथ अफ्रीका से कंपेयर करेंगे, इट इज 16.4%, मतलब ऑलमोस्ट डबल से भी ज्यादा, मतलब डबल के आसपास, राइट? तो ये देखो ये है डिफरेंस, ब्राजील का 11.5, ऑस्ट्रेलिया का 10%। मतलब इवन दो हमारा जो करेंसी है रुपी वो डिप्रिशिएट हुआ, बट ऑन द अदर हैंड हमारा कम हुआ व्हेन वी कंपेयर टू अदर इमर्जिंग मार्केट्स लाइक साउथ अफ्रीका, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, यहाँ पे सब सारे नाम दिए हुए हैं। तो इससे क्या चीज में प्रॉब्लम हुआ? इससे प्रॉब्लम हमको ये समझ में आता है जो करेंट अकाउंट डेफिशिट है वो वाइड हुआ, राइट? तो करेंट अकाउंट डेफिशिट जो CAD है ये वाइड होने के पीछे बहुत सारा रीजन है। रीजन ये भी है कि पैंडेमिक के वजह से जो सप्लाई ऑर्डर पे है वो थोड़ा सा डिसबैलेंस हुआ, पहला चीज। दूसरा चीज, आपने देखा कि रुपी डिप्रिशिएट हुआ, इसका मतलब एक्सपोर्ट्स के लिए हम ज्यादा पे कर रहे थे अब, तो जिस वजह से ये जो डिफरेंस है ना ये अभी हमको बहुत बढ़ के दिख रहा है। लेकिन यहां पे ये डेफिशिट को हम फिल कहां से करते हैं? क्योंकि हमारे पास, मतलब आरबीआई के पास एडिक्वेट फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स है, वहां से हम करते हैं। इवन इफ यू सी यहां के बाद यहां पे एक अच्छा खासा आपको डिप मिल रहा है, राइट? तो व्हाई दिस डिप? यू विल हैव टू थिंक, दिस डिप इज बिकॉज ऑफ आरबीआईस इंटरवेंशन इन दी क्या, इन दी फॉरेक्स मार्केट। आरबीआई का जो इंटरवेंशन था फॉरेक्स मार्केट में, रुपी को डिफेंड कर रहा था आरबीआई, दैट इज द रीजन दी यू कैन सी ए डिप इन फॉरेन एक्सचेंज। एंड वंस दैट इज बैलेंस्ड, मतलब अभी वो 81-82 लेवल पे आ गया है, अगेन इट्स ऑन दी राइजिंग ट्रेंड, राइट? तो यहां पे जो डेफिशिट क्रिएट हुआ है, डेफिशिट हुआ जरूर है बट वो इंडिया को बहुत ज्यादा इफेक्ट नहीं कर पाया बिकॉज वी हैड दी एडुकेट रिजर्व टू फाइनेंस दैट CAD, राइट? एंड आई होप आपको ये कनेक्शन समझ में आ रहा है। तो अब बढ़ते हैं आगे, अब देखते हैं डबल डिजिट ग्रोथ इन दी बैंक क्रेडिट टू MSME। देखो हम रिकवरी की बात करें एंड हम अगर MSME की बात नहीं करें तो ये पॉसिबल नहीं है, राइट? बिकॉज MSME रिप्रेजेंट्स 1/3 ऑफ द इकोनॉमी, एंड रूरल एरिया में इट्स द MSME हु इज डूइंग मल्टीपल थिंग्स। मल्टीपल थिंग्स इन द सेंस वो प्रोडक्शन भी कर रहे हैं, वो सर्विस भी दे रहे हैं, एंड MSME एम्प्लॉयमेंट भी क्रिएट कर रहे हैं रूरल इकोनॉमी में, राइट? सो MSME हैज ए मेजर रोल टू प्ले, जिस वजह से आप देखोगे पैंडेमिक के बाद दी MSME सेक्टर वॉज सपोर्टेड बाई दी गवर्नमेंट टू ए लार्जर एक्सटेंट, एंड उनको बचाए रखना वॉज वॉज दी प्राइमरी टास्क ऑफ दी गवर्नमेंट विच गवर्नमेंट हैज डन। एंड हम ये देख रहे हैं इस डेटा के थ्रू। देखो डबल डिजिट ग्रोथ इन दी बैंक क्रेडिट, मतलब अगर मैं Jan 21 की बात करूं तो ये देखो 10% के आसपास, फिर ये ऊपर गया। अब इसको, ये जो ब्लू लाइन ऊपर है, राइट, इसको आप कंपेयर करो ये नीचे के तीन लाइन से। नीचे का तीन लाइन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? लार्ज इंडस्ट्री, सर्विस एंड नॉन फूड क्रेडिट। तो ये सारा, मतलब सीधे डिफरेंस यहां पे तो ऑलमोस्ट सब इक्वल पे था, ये डिफरेंस जितना बड़ा होगा उतना ज्यादा MSME को क्रेडिट मिला है व्हेन यू कंपेयर MSME क्रेडिट वर्सेस लेट्स से लार्ज इंडस्ट्री, सर्विस और नॉन फूड क्रेडिट।
राइट, ये मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको यहां समझने में थोड़ा सा दिक्कत होगा, बिकॉज इट्स ए ग्राफ। मैं फिर से आपको एक बार बताता हूं, ये मान के चलो इस पॉइंट को रेफरेंस लेते, ये जितना बड़ा डिफरेंस है ये उतना गैप है। मतलब अगर इनको क्रेडिट मान के चलो 5 रुपए मिला है, तो इनको क्रेडिट यहां पे 15 रुपए मिला है। ये गैप 10 रुपए का थ्रू दिस लाइन रिप्रेजेंट किया जा रहा है, राइट। सो इस चार्ट से इकोनॉमिक सर्वे में ये समझाया गया है कि एमएसएमई को मतलब बचाए रखने के लिए बहुत पुश किया गया है, एंड दैट्स द रीजन दे आर इन टू द पिक्चर, एंड दैट्स द रीजन वी कैन कंक्लूड रिकवरी इज कंप्लीट। मतलब हम जो भी बात कर रहे हैं ना, उसका कंक्लूजन यही है कि रिकवरी कंप्लीट हो चुका है, एंड दिस इज हाउ द रिकवरी वॉज डन। ये हो गई बात एमएसएमई सेक्टर की। अब हम अगर आगे बढ़े तो अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट की भी बात करेंगे, बिकॉज देखो रूरल साइड में लोग ज्यादातर एग्रीकल्चर इकोनॉमी या एग्रीकल्चर पे ज्यादा काम करते हैं लोकल लेवल पे, लेकिन हमको रिकवरी कंप्लीट बोलने के लिए हमको अर्बन साइड के अनएम्प्लॉयमेंट को देखना ज्यादा जरूरी है, जहां पे लोग फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट में है, जहां पे लोग सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में भी है। तो अगर हम अर्बन एम्प्लॉयमेंट की बात करें तो ये भी 20.9 से गिरता हुआ अभी 7.2% पे आ गया है। सो दिस ऑल्सो शोज कि जो रिकवरी है वो कंप्लीट हो चुका है, राइट। रिकवरी क्या है? कंप्लीट हो चुका है। आई होप ये भी समझ में आ गया। अच्छा, यहां पे कंफ्यूजन आपको हो सकता है कि सर 20.9 तो ज्यादा दिख रहा है, 7.2 कम दिख रहा है। सिंपल मीनिंग है कि 100 लोगों में 20, 20.9 मतलब मान के चलो 21 लोग अनएम्प्लॉयड है, और 7.2 का मतलब मान के चलो 100 लोगों में 7 लोग अनएम्प्लॉयड है। तो आई होप अब आपको वो क्लैरिटी और वो डिफरेंस मिल गया है कि क्या है डिफरेंस। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट स्लाइड पे, वो है टैक्स कलेक्शन पे, राइट। अगर आप टैक्स कलेक्शन भी देखो, डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन भी बहुत ज्यादा है फाइनेंशियल ईयर 23 में, व्हेन यू कंपेयर इट विद FY22, 21, 20 एंड 19, एंड ये कॉम्प्लायंस भी एक रीजन है। अगर आप जीएसटी कलेक्शन की बात करो तो वो भी ज्यादा है 11.9%, राइट। तो जीएसटी कलेक्शन अगर ज्यादा है तो दिस ऑल्सो शोज कि गवर्नमेंट का जो रेवेन्यू स्ट्रीम है इनडायरेक्ट टैक्स का, मंथ ऑन मंथ, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो या चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो, वो स्ट्रीमलाइन हो गया है, राइट। सो इट्स 11.9। लेकिन यहां पे मैं जीएसटी कलेक्शन पे एक चैलेंज मैं आपको बता दूं। जीएसटी क्या है? मान के चलो आपके किसी प्रोडक्ट का कीमत है 100 रुपए, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एमआरपी, राइट। इसके ऊपर जीएसटी लगता है, मान के चलो 12%, तो 12 रुपए जीएसटी लगेगा, कितना हो जाएगा? 112। अब बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन द कॉस्ट ऑफ दिस प्रोडक्ट इज ऑलरेडी हाई। अभी इसका कॉस्ट मान के चलो 110 रुपए है, तो ऑब्वियस सी बात है अगर 12% पे जीएसटी लगाएंगे तो अब तो जीएसटी ज्यादा लगेगा, सो तब ये प्राइस भी बढ़ जाएगा। सो दिस मीन्स ये जो जीएसटी यहाँ पे 12 रुपए कलेक्ट हो रहा है, अब बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन ये ज्यादा कलेक्ट होगा। सो इनडायरेक्ट टैक्स में इन्फ्लेशन वाला पार्ट भी छिपा हुआ है। सो वी कैन नॉट डायरेक्टली कंक्लूड कि ये जो 11.9% इंक्रीज हमको दिख रहा है ये बहुत अच्छा है। यस, ये बहुत अच्छा है, डेटा मतलब डेटा में इन्फ्लेशन भी छुपा हुआ है, वो हमको समझना है, राइट। आई होप ये क्लियर आपको हो गया है। अगर नहीं हुआ है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, मैं फिर से इसको रिपीट कर दूंगा आपके लिए। चलो बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट स्लाइड में, दैट इज चैप्टर 2। चैप्टर 1 इस वाले स्लाइड पे खत्म होता है, राइट। इफ यू हैव एनी डाउट रिगार्डिंग चैप्टर 1, प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। आई विल वेट फॉर 20 सेकेंड्स फॉर योर कॉमेंट। ओके, आई होप कोई कमेंट नहीं आ रहा है, सो आई थिंक लेट मी मूव ऑन टू चैप्टर 2, इंडियाज मीडियम टर्म ग्रोथ आउटलुक विथ ऑप्टिमिज्म एंड होप। यहाँ पे हम मतलब यहाँ पे इकोनॉमिक एडवाइजर मीडियम टर्म ग्रोथ की बात कर रहे हैं। तो देखो मीडियम टर्म ग्रोथ मतलब एक साल में नहीं, राइट। इसको हम समझते हैं ना एक पुराने एग्जाम्पल से। अगर हम बात करें 1991 रिफॉर्म्स की, राइट, तो क्या आपको लगता है कि 1991 का रिफॉर्म्स इमीडिएट ही लिया गया, या सिचुएशन कुछ एक दो साल में कुछ ऐसा हो गया जिस वजह से लेना पड़ा? नो,
इट स्टार्टेड समवेयर यू नो अराउंड 1980 के आसपास शुरू हुआ, जहां पे डेट टू जीडीपी कुछ 50% के आसपास था, राइट, 30-35% था, इट वाज नॉट समवेयर अराउंड 50%। फिस्कल डेफिसिट भी बहुत ज्यादा था। ओवर अ पीरियड ऑफ 10-20 ईयर्स, 1989 तक आते आते जो डेट टू जीडीपी है वो 50% को क्रॉस कर चुका था, 12-14% के ऊपर डेफिसिट चला गया था। तब गवर्नमेंट के पास कोई ऑप्शन नहीं था कि इकोनॉमी को ना खोले, राइट। आईएमएफ के पास गए, सोना गिरवी रखे, रॉयल बैंक ऑफ इंग्लैंड पे कुछ हमारा गोल्ड गिरवी है, तो ये सारे मेजर्स ना लिए गए, लेकिन उसके बाद भी तब के गवर्नमेंट को लगा ये हो नहीं सकता, दे हैड टू टेक सम यू नो मेजर, एंड द रिजल्ट इज एलपीजी स्कीम ऑफ 1991। एंड 1991 पे जो रिफॉर्म्स हुआ उसके बाद तो धीरे 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 करके इंडिया में ग्रोथ आता गया। तो इस वाले चैप्टर में जो कंपैरेटिव पीरियड बताया गया ना, वो उस टाइम बताया गया, मतलब बिटवीन 1998 टू 2002 क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ, एंड हाउ डिड इकोनॉमी रिकवर, ठीक है। तो उसके साथ कंपेयर करते हुए द इकोनॉमिक एडवाइजर हैज कंपेयर्ड दिस पीरियड 2014 से लेके 2022 एज पर दिस चैप्टर, राइट, एंड एज पर इकोनॉमिक सर्वे। 2014 से पहले क्या होता था, 2014 से पहले कुछ स्ट्रक्चरल चेंजेस इकोनॉमी में हुए, राइट, एंड इट वाज कंप्लीटली फोकस्ड ऑन इकोनॉमी। लेकिन एज पर दिस चैप्टर 2014 और 2022 के बीच में, राइट, व्हाट गवर्नमेंट्स फोकस इज अबाउट द पीपल, इज अबाउट ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, मतलब दी शिफ्ट ऑफ ए व्हाट यू कैन से, मतलब एक आइडियोलॉजी शिफ्ट। ऑब्वियसली द गवर्नमेंट हैज चेंज्ड, राइट, दैट्स दैट इज वन ऑफ द रीजन। तो ये सारा चीज इस चैप्टर में अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है, जो हम आगे देखेंगे। लेकिन इस पे इकोनॉमिक एडवाइजर और भी सारा चीज बताते हैं कि गोल्डन क्वाड्रिलेटरल इंडिपेंडेंट इंडिया का सबसे बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट बताया गया। उसके बाद एफआरएमबी एक्ट, सरफेशी एक्ट, सरफेशी एक्ट के थ्रू बैंकिंग सिस्टम को क्लीन करने का एक अपॉर्चुनिटी दिया गया है, एंड ऑब्वियसली उसके बाद जो डेटा निकल के आया वो हम इस आगे देखेंगे स्लाइड्स पे, राइट। सो दैट इज हाउ थिंग्स आर हैपनिंग। बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट इस पे वो है, देखो, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस एंड ईज ऑफ लिविंग, जो मैंने लास्ट स्लाइड पे बताया। मतलब इस वाले चैप्टर का फोकस है कि 2014 से लेके 2022 तक गवर्नमेंट ने क्या किया। गवर्नमेंट हैज ट्राई टू यू नो डू दिस टू थिंग, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस एंड ईज ऑफ लिविंग। एक सिंपल सी बात समझो, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस मतलब मान के चलो कोई एंटरप्रेन्योर है, उसको बिजनेस करना है तो उसके लिए वो इकोसिस्टम बना के देना है, उसके लिए ऐसे पॉलिसीज, ऐसे मेजर्स सामने रखना है जिससे वो काम आसानी से कर सके। मतलब दी फोकस ऑफ एंटरप्रेन्योर शुड नॉट बी इन टू कॉम्प्लायंस, शुड बी इन टू बिजनेस। ये था गवर्नमेंट का मोटो, प्लस ईज ऑफ लिविंग। ईज ऑफ लिविंग कैसे, बहुत सारा मेजर हुआ, राइट, उजाला उज्ज्वला स्कीम में लोगों को गैस मिला, एंड एंड मल्टीपल स्टेप्स, मतलब गवर्नमेंट स्कीम्स आपको तो पता ही है। सो दिस वेर दी टू थिंग्स दैट वेर यू नो इन प्राइमरी फोकस बिटवीन 2014 एंड 2022। क्रिएटिंग पब्लिक गुड्स, ट्रस्ट बेस्ड गवर्नेंस, एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी, प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन। तो देखो, ईज ऑफ लिविंग में बहुत सारा चीज आ जाता है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, राइट, किसान क्रेडिट कार्ड, मतलब ये सारा चीज भी ईज ऑफ लिविंग है। पहले ओवरड्राफ्ट करना कितना मुश्किल था, लेकिन आज के दिन में जिसके पास केसीसी है उसके लिए बहुत ईजी है। पहले के दिन में लोग सिलेंडर लेने के बाद उनको समझ ही नहीं आता था कि उनको सब्सिडी मिलेगा नहीं मिलेगा, क्या है, किसको मिल रहा है, लेकिन आज के दिन में डीबीटी के थ्रू उनको पता है ये तो बैंक में आना ही है। सो दी फोकस शिफ्ट, तो इसीलिए उन्होंने कंपेयर किया 1998 2022 को 2014 एंड 2000 अच्छा सॉरी, मैंने यहाँ 2022 बताया, 2002 एंड 2014 से 2022 के पीरियड को। ये दोनों मेजर कैसे किया गया, एफिशिएंट रिसोर्स एलोकेशन, एनहेंसिंग प्रोडक्टिविटी पोटेंशियल ऑफ इकोनॉमी एंड इट्स पीपल, दिस इज हाउ इट वाज डन। बढ़ते आगे नेक्स्ट स्लाइड में, अब थोड़ा सा और हम डेप्थ जाते हैं और समझते हैं हाउ यू नो बजटरी सपोर्ट कैसा था।
क्रिएटिंग पब्लिक गुड्स टू एनहेंस अपॉर्चुनिटीज एफिशिएंसी एंड ईज ऑफ लिविंग, राइट, जो मैंने लास्ट वाले स्लाइड पे बात की। अभी आप एक चीज देखो, 2014 में है ना, कैपिटल एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर की बात तो मैंने पहले भी की। अब देखो यहाँ पे ये फिर से जो ट्रेंड लाइन है ये ऊपर जाता हुआ, सो दिस शोज दैट मेनी थिंग्स वेयर डन। अब ये कैसे किया गया, प्रोजेक्ट्स लाइक भारतमाला, सागरमाला, रेलवे अपग्रेडेशन। रेलवे अपग्रेडेशन की बात करूं तो उसमें इलेक्ट्रिफिकेशन भी आएगा, उसमें इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू रेलवेज भी आएगा, प्लस क्रिएटिंग न्यू रूट्स भी आएगा, तो बहुत सारा चीज है, ठीक है। इलेक्ट्रिफिकेशन मतलब बोलते हैं ना लास्ट माइल इलेक्ट्रिक कनेक्टिविटी, पहले रूरल इंडिया में ठीक से इलेक्ट्रिसिटी नहीं था, अब तो रूरल इंडिया क्या एकदम मतलब कोने कोने गांव गांव तक इलेक्ट्रिसिटी पहुंच रहा है। कुछ कुछ स्टेट्स ऐसे हैं जिसमें 100% इलेक्ट्रिफाइड स्टेट है, मतलब ऐसा कोई घर बचा ही नहीं जिनके पास नहीं है। ऑब्वियसली इफ वी टॉक अबाउट डेटा, राइट, मुझे अभी याद आ रहा है, सो लेट्स से देयर आर 100 पीपल इन द विलेज, डेटा कैसे काउंट होता है। सो मान के चलो मैं किसी गांव में रहता हूं, मैंने गवर्नमेंट को बोल दिया मुझे बिजली चाहिए ही नहीं, राइट, तो मैंने वो बोल दिया मुझे बिजली नहीं चाहिए, तो दे विल नॉट काउंट मी, राइट, तो उस हिसाब से 100% इलेक्ट्रिफिकेशन इज डन, बट इन रियल टर्म्स अभी भी कुछ घर बचे हुए हैं एंड दे हैव एक्चुअली डिनाइड कि हमको बिजली नहीं चाहिए। दिस इज एज पर दी रिपोर्ट। उड़ान स्कीम, उड़े देश का हर नागरिक, एंड उसके अंडर में जो नए नए एयरपोर्ट्स बन रहे हैं, अभी हमने कुछ दिन पहले ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट्स की बात की है कि 6 टोटल ग्रीनफील्ड्स एयरपोर्ट आर फंक्शनल, द लेटेस्ट वन बीइंग दी मोपा एयरपोर्ट इन गोवा, जिसको नाम दिया गया मनोहर पारिकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, राइट। तो ये सारा काम कैसे हो रहा है, इट्स बिकॉज ऑफ द कैपिटल एक्सपेंडिचर, जो कि हम इस स्लाइड पे देख पा रहे हैं, एंड दैट इज रिलेटेड टू क्रिएटिंग पब्लिक गुड टू एनहेंस अपॉर्चुनिटीज, राइट, एफिशिएंसीज एंड ईज ऑफ लिविंग। नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन जो 2019 में लॉन्च हुआ है, नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन, तो मोनेटाइजेशन पाइपलाइन से तो मतलब इंटरनेशनल या फॉरेन इन्वेस्टमेंट को ये किया गया है, बुलावा दिया गया है, ऐसा बोलते हैं ना, मतलब अट्रैक्ट करना। सो थ्रू नेशनल मोनेटाइजेशन पीपल वेर अट्रैक्टेड कि आओ इंडिया में आके इन्वेस्ट करो, एंड द रिजल्ट्स आर ऑब्वियसली कैन नॉट बी सीन इन अ डे। ये इकोनॉमिक सर्वे भी बता रहा है कि रिजल्ट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आएगा, इसीलिए चैप्टर का नाम है मीडियम टर्म ग्रोथ, मतलब वॉट एवर वी आर टॉकिंग इन दिस पर्टिकुलर चैप्टर इज समथिंग, यू नो, वी विल नॉट सी द रिजल्ट इन द नेक्स्ट 6 मंथ्स, द रिजल्ट वुड बी सीन इन द नेक्स्ट डिकेड, राइट, और प्रोबेबली डाउन द लाइन टिल 2030। सो बढ़ते हैं आगे, अब देखते हैं डेवलपमेंट इन क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर कैपेसिटी। अब हम इसमें देखते हैं 2011 में, देखो ये वाले स्लाइड को ना, मतलब ये जो पिक्चर है ये आपको थोड़ा समझने में शायद दिक्कत हो सकता है, बट पहले मैं क्या बता रहा हूं वो आप सुनो। 2011 को 100 पॉइंट्स लिया गया, राइट, इसीलिए आप देख पा रहे हो यहां पे 100 लिखा हुआ है। अब इस 100 को कंपेयर किया गया है, इस 100 को कंपेयर किया गया है आगे, तो अगर मैं इलेक्ट्रिसिटी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी की बात करूं तो 2014 में इट वाज 140, मतलब 40% इंक्रीज, ठीक है, 100 के ऊपर 140 हुआ, मतलब 40% इंक्रीज हुआ। अब ये 140 से 2020 तक 215 हो गया, सो लुक एट द पेस। देन कार्गो हैंडलिंग कैपेसिटी 2011 अगर 100 है तो आज के दिन में ये 180 है। इस प्रकार से आप रेलवे ट्रैक्स, नेशनल हाईवे का भी आप देख सकते हो, जो आज के दिन में 187 है। दिस इज हाउ यू नो गवर्नमेंट इज डूइंग, सो एंड इसीलिए इसको मीडियम टर्म ग्रोथ आउटलुक बोला गया है, बिकॉज द रिजल्ट विल नॉट बी सीन इन अ डे। बढ़ते हैं आगे, और भी इसमें पॉइंट्स है। एक है ट्रस्ट बेस्ड गवर्नेंस। ट्रस्ट बेस्ड गवर्नेंस क्या है कि पूरा चीज टेक्नोलॉजी पे आ गया है। पहले आपको छोटा छोटा काम करने के लिए बैंक में जाना पड़ता था, राइट, मतलब इफ वी टॉक अबाउट बैंक, लेट से कि इफ यू वांट टू सी द बैलेंस, तो आज से एक डिकेड पहले भी ऐसा सिस्टम था, आइदर यू हैव टू सेंड एन एसएमएस और यू हैव टू चेक योर ओल्ड एसएमएस, और नेक्स्ट ऑप्शन इज कि आप बैंक में जाके अपने पासबुक को प्रिंट कर लो। लेकिन आज के दिन में ऐसा नहीं है, आज के दिन में चीज बहुत ईजी हो गया है बिकॉज ऑफ अदर टेक्नोलॉजीज, आधार कार्ड, राइट, यूपीआई,
तो ये सारा चीज यू नो हैज एनेबल्ड अस, मतलब सिटीजन्स को, सो दैट वी कैन ट्रस्ट द सिस्टम. सो सी, इट्स गवर्नेंस, इट्स नॉट द गवर्नमेंट, राइट? मतलब जो प्रिवेल है आज के दिन में, आप आधार कार्ड लेके एक ओटीपी डाल के बैंक में अकाउंट खोलते हो, आपको इमीडिएटली एक डेबिट कार्ड मिल जाता है, वर्चुअल डेबिट कार्ड, राइट? एंड आप इतने कॉन्फिडेंट हो कि आप उसमें अपना पैसा भी डाल देते हो. वाई? हैव यू थॉट? इट्स अबाउट द ट्रस्ट बेस्ड गवर्नेंस सिस्टम. ही ट्रस्ट बेस्ड बनाया गया है. सो इट्स नॉट समथिंग दैट गवर्नमेंट हैज डन अलोन, इट्स दैट गवर्नमेंट अलॉन्ग विद दी अदर बॉडीज दे हैव क्रिएटेड इट, राइट? वही चीज हम इस चैप्टर पे देख रहे हैं. देन प्रोमोटिंग द प्राइवेट सेक्टर एज ए को पार्टनर इन दी डेवलपमेंट. ठीक है, को पार्टनर इन दी डेवलपमेंट, अच्छे से समझो. प्राइवेट सेक्टर आर दी की टू ग्रोथ. क्यों? आज आपके दिन मतलब आज आप कुछ कुछ जो लेट मी टॉक ऑफ ऑफ यू नो जस्ट वन कंपनी, लेट से रिलायंस. व्हाट इज इट्स साइज? आज से 20 साल पहले देखो रिलायंस का साइज क्या था, लेकिन आज उसका साइज क्या है, राइट? इट्स वन ऑफ दी या टाटा ग्रुप, मतलब बहुत बड़े बड़े ग्रुप्स हैं. हाउ दे आर एबल टू यू नो बिकम सो बिग? दे आर एबल टू बिकम सो बिग बिकॉज द गवर्नमेंट हैज क्रिएटेड. सो इट्स नॉट समथिंग यू नो दैट दैट वॉज डन फॉर देम इन द लास्ट 8 ईयर्स. यहाँ पे मतलब इस वाले पॉइंट पे इकोनॉमिक सर्वे ये बताता है कि हमने 1980s या 1991 के बाद से जो पॉलिसीज अपनाए हैं वो सारा रिजल्ट अभी हमको दिख रहा है, राइट? दैट प्राइवेट सेक्टर इज ग्रोइंग आज के दिन में. ये तो मैंने बड़े लार्ज कंपनीज की बात की. इफ आई टॉक अबाउट यू नो रिसेंट यूनिकॉर्न्स, जिसको एक डिकेड भी नहीं हुआ बिजनेस शुरू करते हुए दे हैव बिकम एन यूनिकॉर्न, राइट? मतलब $1 बिलियन की कंपनी. एंड हाउ दे आर एबल टू डू इट? बिकॉज गवर्नमेंट ने उनको एज ए को पार्टनर बनाया डेवलपमेंटल प्रोसेस में, एंड दैट इज हाउ दे आर एबल टू डू इट. एनहैंसिंग प्रोडक्टिविटी इन एग्रीकल्चर, यू नो द नेक्स्ट स्टेप. अगर रूरल इंडिया को, रूरल इंडिया को ये जो टैग है रूरल, वाई दिस टैग इज रूरल? मतलब वहां पे कुछ तो कमी है अर्बन के कंपेयर में, जिस वजह से उस जगह का नाम रूरल है. एंड वी टॉक यू नो यूजली टॉक रूरल इंडिया. तो वहां पे जो एग्रीकल्चर प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम है, अगर उनके प्रोडक्टिविटी को बढ़ाया जाता है तो सिंपल सी बात है उनके इनकम भी बढ़ जाएगा. एंड व्हेन द इनकम ग्रोस, ऑब्वियसली दे विल सी ए न्यू होराइजन इन देयर लाइफ इन टर्म्स ऑफ मे बी एजुकेशन, इन टर्म्स ऑफ हेल्थ, इन टर्म्स ऑफ यू नो गिविंग गुड एक्सेस टू ऑलमोस्ट एवरीथिंग टू देयर फैमिली. तो गवर्नमेंट एक दूसरे रास्ते से उनको हेल्प किया, सो दैट दे कैन एनहैंस देयर एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी, राइट? उनको वो सारे ऑप्शंस उनके लिए ओपन किए जिसके थ्रू वो अपने एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी को बढ़ाएं. आई होप यू नो आपको ये पॉइंट समझ में आया. मतलब सी, देर आर टू ऑप्शंस. एक है कि सीधा सीधा मान के चलो किसान ने 1 लाख रुपए का लोन लिया, उस लोन को गवर्नमेंट ने माफ कर दिया, कोई बात नहीं. तो उनके डिस्पोजेबल इनकम में 1 लाख का चेंजेस जरूर आएगा, मतलब अब उनको ये 1 लाख रिटर्न नहीं करना होगा. बट दैट इज नॉट यू नो टूवर्ड्स सस्टेनेबिलिटी. वॉट इफ उनके ये जो 1 लाख रुपए उनको मिल रहा है, इस रास्ते ना देके उनका जो प्रोडक्टिविटी है उसको ही बढ़ा दिया जाए, देन दे विल सी ए न्यू होराइजन इन देयर लाइफ. एंड दैट इज वॉट इकोनॉमिक सर्वे इज टॉकिंग अबाउट, राइट? एंड दैट इज वॉट गवर्नमेंट हैज डन एज पर द इकोनॉमिक सर्वे, कि उनका जो प्रोडक्टिविटी हो वो एनहैंस हो, राइट? ओके, सो लेट्स मूव टू दी नेक्स्ट स्लाइड. अच्छा, इस पे क्या है कि ये जो मैं कंपैरेटिव पीरियड पहले बताया था ना, जो कंपेयर किया गया इकोनॉमिक सर्वे में 1998 से 2002 एंड 2014 से 2022, तो इकोनॉमिक क्या शॉक देखा है. 1998 से 2002 में पोखराम का न्यूक्लियर टेस्टिंग हुआ, जिस वजह से इंडिया को सैंक्शन लगा, राइट? कौन लगाया? यूएस. 2014 से 2022 के बीच में बहुत सारा चीज हुआ. पीरियड ऑफ बैंकिंग, नॉन बैंकिंग एंड नॉन फाइनेंशियल कॉरपोरेट सेक्टर, बैलेंस शीट का स्ट्रेस, ट्विन बैलेंस शीट प्रॉब्लम, बहुत सारी चीज आए. देन बैंकिंग एंड कॉरपोरेट सेक्टर डिविलेरिजिंग एंड रिपेयर बैलेंस शीट. तो मतलब आप ये सारा चीज देखो, ड्रॉट देखा, राइट? उसके बाद यूएस का रिसेशन आया. तो
यहाँ पे 2014 से 2022 के बीच में द बिगेस्ट वन बीइंग दी जो हमने सबसे पहले वाले स्लाइड पे डिस्कस किया था, रशिया यूक्रेन का वॉर भी है ना, एंड पैंडेमिक भी है, तो ये सारा है। नाउ स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स इन द इकोनॉमी, तो देखो रिफॉर्म्स क्या लिया गया, इंटरेस्ट रेट डीरेगुलेशन, प्राइवेटाइजेशन, एसेट रिकवरी फॉर बैंक्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, FRMB एक्ट, ये सारा चीज किया गया जिसके वजह से आउटकम वी हैव सीन फ्रॉम 2003 टू 2012, राइट। अब अगर 2014 से 2022 के बीच का रिफॉर्म्स देखोगे, सो इट हैज ए लॉन्ग लिस्ट। सो इसीलिए चैप्टर का नाम मीडियम टर्म ग्रोथ है। तो हो सकता है ये जो ग्रोथ रिटर्न्स है, चैप्टर में यही चीज समझाया गया है कि ये जो सारा चीज हुआ है इसका रिजल्ट ऑल ऑफ ए सडन नहीं दिखेगा, धीरे 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 आएगा। फॉर एग्जाम्पल, मैं अगर सिर्फ IBC की बात करूँ, इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड, IBC का जो डेटा है वो हम ऑब्वियसली आगे देखेंगे। मैंने एक छोटा सा एग्जाम्पल आपको देना है ताकि आपको समझ में आए कि IBC के थ्रू इट वॉज शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक जो सबसे ज्यादा रिकवर कर पाए, यू नो, सो इट्स एन इजी प्रोसेस जहां पे उनका जो स्ट्रेस एसेट्स है वो थोड़ा सा अनस्ट्रेस हो पाए। मतलब एक एक हाइपोथेटिकली आपको चीज समझ में आया, आई होप। अब तो हम आगे भी देखेंगे, बढ़ते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। बट बिफोर अगेन आई मूव, यू नो, लेट मी वेट फॉर 20 सेकेंड्स टू आंसर योर क्वेरी इफ यू हैव एनी। ओके, समबडी इज आस्किंग व्हाट इज FRBM एक्ट। ठीक है, देखो ये है फिस्कल रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट, राइट। आई विल नॉट टॉक मच अबाउट इट, बट एक सिंपल सा बात समझो कि गवर्नमेंट को मान के चलो, अच्छा मैं कलर चेंज कर देता हूं तो आपके लिए थोड़ा आसानी होगा समझने में। मान के चलो गवर्नमेंट को 100 रुपये मिलता है एज ए एज ए बजट, था चाहे वो मतलब रेवेन्यू सोर्सेस से हो या किसी दूसरे सोर्सेस से हो, गवर्नमेंट के पास 100 रुपये आता है। तो गवर्नमेंट ऑब्वियसली ये 100 रुपये इकोनॉमी में किस तरीके से खर्चा करती है, तो गवर्नमेंट 100 रुपये की जगह 110 रुपये खर्चा करती है। तो अब आप सोचो ये 10 रुपये कहाँ से आएगा, ये 10 रुपए का तो डेफिसिट हुआ, एज पर द कैलकुलेशन इट्स 10%। तो FRMB एक्ट ये बोलता है कि गवर्नमेंट को ये जो डेफिसिट है ये रेस्पॉन्सिबल तरीके से क्रिएट करना चाहिए एंड ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम इसको कम करना चाहिए, राइट। एंड दैट इज व्हाट ये FRMB एक्ट में लिखा हुआ है, ठीक है। सो इससे ज्यादा यहां पर डिस्कस नहीं करते हैं बिकॉज यू नो वी वुड डिविएट देन। बाकी आपको डाउट रहेगा तो आप कमेंट सेक्शन में आगे बताना, वी वी कैन मेक ए वीडियो ऑन दैट एज वेल। ओके, सो ठीक है तोमित, यू नो आई विल नोट डाउन दिस थिंग, बी विद देयर विद मी, इस सेशन पे आप रहो, राइट। यू विल गेट द इंफॉर्मेशन दैट यू आर आस्किंग फॉर, नो वरीज अबाउट इट। चलो बढ़ते हैं आगे चैप्टर 3 पे, वो है फिस्कल डेवलपमेंट रेवेन्यू रिलीश। ठीक है, इस चैप्टर पे क्या बताया है इकोनॉमिक सर्वे में, देखो इस चैप्टर में ये बताया गया है कि गवर्नमेंट का जो रेवेन्यू सोर्सेस है और गवर्नमेंट का जो डेफिसिट है वो किस तरीके से गवर्नमेंट ने मैनेज करना है, राइट। तो अगर हम ट्रेंड्स की बात करें, डेफिसिट ओवर ए पीरियड ऑफ फ्रॉम फाइनेंशियल ईयर 18 टू 23, तो आप देखोगे ये बजटरी एस्टिमेट है ऑब्वियसली, जो आपने पिछले साल बजट में पढ़ा था 6.4 है। तो क्या हम, मतलब इट्स ए क्वेश्चन, राइट, मतलब 6.4 का तो डेफिसिट गवर्नमेंट बनाएगा ही, गवर्नमेंट ने ये बोला था पिछले साल, लेकिन अभी तो 31 मार्च तक टाइम है। वेयर वी आर राइट नाउ, अगर हम इकोनॉमिक सर्वे के इस वाले इसको देखे, चार्ट को देखे, जिसमें अप्रैल से नवंबर 2022 का डेटा है एंड कंपेयर किया गया एक साल पुराना सेम पीरियड 2021 का एंड 5 साल का एवरेज सेम पीरियड का, तो देखो डेफिशिट 5 साल का एवरेज है 104.6। मतलब इसका मतलब क्या हुआ कि गवर्नमेंट तो अप्रैल से नवंबर के बीच में ही टारगेट को, मतलब जो भी टारगेट था उसको ब्रेक कर दिया था। यहां पे अप्रैल टू नवंबर 2021 की बात करें तो इट वॉज 46.2% एंड हियर इट्स 58.9%। तो इसका मतलब क्या है ये आप समझो, मान के चलो ये जो 6.4% एज ए परसेंटेज ऑफ GDP है ये 100 रुपए निकल के आता है। अगर मैं इसको मनी टर्म्स में बोलूं तो ये 100 रुपए है। तो इस 100 रुपए का जो डेफिसिट गवर्नमेंट क्रिएट करने वाला है
उसका 58.9 रुपीज ऑलरेडी अप्रैल से नवंबर 2022 के बीच में कर चुका है, मतलब कुछ 41, मतलब 42 अप्रोक्सीमेटली, ठीक है, लेट्स नॉट बी एक्यूरेट, 42 रुपीज के आसपास अभी भी बचा हुआ है। सो यहां पे थ्रू दिस टू चार्ट इकोनॉमिक सर्वे ये एक्सप्लेन किया है आपके लिए कि जो फिस्कल पाथ गवर्नमेंट ने बताया है कि हम 6.4% का फिस्कल डेफिसिट क्रिएट करेंगे, उस पाथ में गवर्नमेंट है। सो दिस शोज दैट गवर्नमेंट इज एक्टिंग रेस्पॉन्सिबली, ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया है, नहीं आया है आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, राइट क्योंकि देखो ये दोनों ही परसेंटेज पे है, ये है भी 6.4, ये भी 58.9, तो हो सकता है आपको कंफ्यूजन लगे, एंड मैंने इसीलिए 6.4 को 100 ले लिया था, आपको आपको वो कंपैरिजन इजी समझ में आए, उसके बाद भी डाउट रहेगा तो आप मुझे बताओ। बढ़ते हैं नेक्स्ट वाले स्लाइड पे, वो देखते हैं अब कॉम्पोजिशन ऑफ टैक्स प्रोफाइल, मतलब गवर्नमेंट को कहां से पैसा आ रहा है। देखो सबसे ज्यादा आ रहा है एक है पर्सनल इनकम टैक्स, एक है कॉर्पोरेट टैक्स, उसके बाद यूईडी, ठीक है, यूनियन एक्साइज ड्यूटीज, जीएसटी, कस्टम्स, तो इस प्रकार कुछ गवर्नमेंट का सोर्सेस है। एंड अगर हम बात करें ग्रोथ की, ग्रोथ इन सेंटर्स डायरेक्ट टैक्स, डायरेक्ट टैक्स की अगर बात करें तो आप देखो डायरेक्ट टैक्स की बात करें तो 15.5%, 13.9 से ये 15.5 हुआ, 5 साल का एवरेज वर्सेस अप्रैल से नवंबर 2022 के बीच में, तो सारा जगह पे देखो आप ग्रोथ हुआ है। इसका मतलब क्या होता है सर्वे में, इसका मतलब ये समझाया गया कि वी आर मूविंग टुवर्ड्स कॉम्प्लायंस, कॉम्प्लायंस की वजह से डायरेक्ट टैक्सेस में बढ़ोतरी आ रही है, एंड दिस इज गुड, मोर एंड मोर पीपल आर गेटिंग इन टू दी फॉर्मल इकोनॉमी, राइट। तो बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट वाले स्लाइड पे, वो है एनहेंस लिमिट ऑफ बोरोइंग फॉर द स्टेट्स एंड इंसेंटिव फॉर रिफॉर्म्स। तो देखो यहां पे जो सर्वे है वो आपको क्या बताता है, सर्वे आपको ये बताता है कि जो गवर्नमेंट का मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को एक ये दिया था, मतलब फिनेंशियल ईयर 21 में 5% तक का डेफिसिट दे कैन क्रिएट, और वो फिनेंशियल ईयर 22 में इट वाज 4% ऑफ जीएसडीपी। व्हाट इज जीएसडीपी, ठीक है, मतलब ये ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, एंड 3.5% ऑफ जीएसडीपी इन FY23। तो देखो ये आपको याद भी रखना है बिकॉज एमसीक्यू के फॉर्म में आपको पूछ सकता है, ठीक। अब वहां पे गवर्नमेंट क्या बताया, फॉर इंस्टेंस इन FY21 ए पार्ट ऑफ एडिशनल बोरोइंग सीलिंग वॉज कंडीशनल ऑन इंप्लीमेंटिंग दी वन रेशन वन कार्ड सिस्टम। मतलब गवर्नमेंट क्या किया, सेंट्रल गवर्नमेंट उनको एडिशनली डेफिशिट क्रिएट करने का मौका दिया इफ दे डू सर्टेन थिंग्स, एंड वन ऑफ देम बीइंग दी इंप्लीमेंटेशन ऑफ वन रेशन वन कार्ड सिस्टम, राइट। तो देखो ये सारा चीज ना कई बार आपको डिस्क्रिप्टिव एंड इंटरव्यू के परस्पेक्टिव से समझना है, राइट, एंड आई होप ये आपको क्लियर हो रहा है, ऑल्दो कुछ चीज आपको पढ़ के क्लियर होगा, फॉर विच यू नो वी आर ब्रिंगिंग आउट दी पीडीएफ जो कल तक हमारे वेबसाइट में लाइव हो जाएगा, विच यू कैन डाउनलोड एंड यू कैन रीड थोरोली, ये मैं आपको यही पे बता दूं। सो अब बढ़ते हैं आगे, अच्छा ये जब फिनेंशियल ईयर 21 पे हुआ था उसके आगे क्या, 17 स्टेट्स इंप्लीमेंटेड दी वन रेशन वन कार्ड सिस्टम, 20 स्टेट्स कंप्लीटेड दी रिफॉर्म्स इन ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, 11 स्टेट हैड डन लोकल बॉडी रिफॉर्म्स, एंड 17 स्टेट कैरिड आउट फुल पार्टली पावर सेक्टर रिफॉर्म, ठीक है, और 16 स्टेट एक्सेस दी एडिशनल बोरोइंग अपॉन मीटिंग दी कैपेक्स टारगेट। उनको कैपिटल एक्सपेंडिचर का टारगेट भी दिया गया था जिसमें 16 स्टेट उसको पूरा करके जो एडिशनल बोरोइंग्स है वो भी उन्होंने उठाया, राइट। सो इट शोज जो फिजिकल डेवलपमेंट हुआ, इट्स नॉट ऑन दी ओनली ओनर्स ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, रिस्पॉन्सिबिली तो स्टेट गवर्नमेंट भी काम किया है, एंड दिस डेटा शोज दैट थिंग। चलो अब बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट स्लाइड पे, वो है मॉडरेटिंग यूनियन गवर्नमेंट डेट टू जीडीपी रेशियो आफ्टर द पैंडेमिक इंड्यूस्ड स्पाइक, राइट।
सो दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। अभी आपको याद होगा कुछ देर पहले मैंने बात की थी डेट टू जीडीपी की बात, जब मैं 1991 की बात कर रहा था, राइट। अगर आप कोविड के बाद के समय के देखोगे तो इट वॉज 59.2%, विच इज ऑब्वियसली ह्यूज। इसका मतलब क्या होता है, मान के चलो हमारे जीडीपी का साइज 100 रुपीज है, तो 100 रुपीज अगर जीडीपी का साइज है तो इस 100 रुपीज में 59.2 रुपीज तो उधारी का पैसा है, चाहे उधारी इंटरनली क्रिएट किया हमने या चाहे हमने एक्सटर्नल से लाया, इट डजेंट मैटर, बट उधारी तो है, चाहे किसी पर भी हो। आई होप ये क्लियर आपको हो गया है। तो इंडियन इकोनॉमी का साइज क्या है, इट्स समवेयर अराउंड 2.7 ट्रिलियन, राइट। 2.77 ट्रिलियन का 59.2% सिर्फ डेट था, जो आज के दिन में कम के क्या हो गया, 56.7% हो गया। तो देखो ये कुछ कुछ डेटा आपके लिए इम्पोर्टेंट भी है, मतलब हर चीज़ के लिए इम्पोर्टेंट है, एमसीक्यू के लिए तो है ही है। सेकंड, यू नो यू शुड नो हाउ द डेवलपमेंट हैज हैपेंड, राइट। मतलब देखो आपको अगर ये सवाल पूछा जाए कि डेट टू जीडीपी कोविड के बाद से कैसा रहा है, आपको पाथ पता है कि इट इज़ ग्लाइडिंग, लेकिन आपको तो थोड़ा सा बैक डेटा भी देना है कि ये कुछ 45% के आसपास था फाइनेंशियल ईयर 16 से, जो अचानक से कोविड के टाइम में स्पाइक होके 60% तक चला गया, एंड अगेन वी आर कमिंग डाउन, वी आर नाउ समवेयर अराउंड 56.7%, एंड प्रोबेबली इन फ्यूचर और है ना और 2-4 साल के अंदर वी कैन कम डाउन टू 50 एज वेल, बट वो तो समय ही बताएगा। आई होप यहां तक आपको क्लियर हो गया है। अगेन हियर आई विल वेट फॉर एनी क्वेश्चंस इफ यू हैव टिल चैप्टर 3, फिर इसके बाद आई विल मूव टू चैप्टर 4। ओके, मुझे कमेंट दिख रहा है रवि प्रकाश मौर्य, आप बता रहे हो प्लीज सर एक्सप्लेन थर्ड ग्राफ, आप थोड़ा सा कंफर्म करो कौन सी स्लाइड में आपने देखा था, विदाउट दैट आई विल नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड कि आप कौन सी ग्राफ की बात कर रहे हो। चलो आई थिंक देर इज नो क्वेश्चन, सो लेट्स मूव टू चैप्टर 4, दैट इज मॉनिटरी मैनेजमेंट एंड फाइनेंशियल इंटरमीडिएशन ए गुड ईयर। ठीक है, मॉनिटरी मैनेजमेंट तो मतलब यहाँ पे हम बात करेंगे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की, राइट, कि आरबीआई, मतलब वाई आरबीआई, बिकॉज मॉनिटरी मैनेजमेंट कंट्री में कौन करता है, इट्स दी सेंट्रल बैंक ऑफ द नेशन, तो हमारा सेंट्रल बैंक तो आरबीआई है, सो विल टॉक अबाउट आरबीआई मॉनिटरी मैनेजमेंट एंड फाइनेंशियल इंटरमीडिएशन। तो फाइनेंशियल इंटरमीडिएशन तो बाकी मतलब बाकी सारा बात भी हम करेंगे जो आप आगे स्लाइड पे देख पाओगे। देखो जो 2022 था, ये 2022 का जो शुरुआती था, मतलब जनवरी फरवरी मार्च, इट वाज मॉडरेट, राइट, थिंग्स वेयर बिल्डिंग अप, बट अप्रैल तक आते आते द इन्फ्लेशन वाज आउट ऑफ कंट्रोल एंड आरबीआई हैड नो ऑप्शन, उन्होंने क्या किया, रेपो रेट वो बढ़ाते गए, जो हम आगे स्लाइड्स पे देखेंगे। लेकिन ऐसा नहीं है कि ऐसा सिर्फ आरबीआई ने किया, नो, ऐसा अगर हम बात करें तो मेजर सेंट्रल बैंक दुनिया के, लाइक फेडरल रिजर्व, बैंक ऑफ इंग्लैंड, यूरोपियन सेंट्रल बैंक, मतलब जितने भी बड़े सेंट्रल बैंक्स हैं सबके सामने एक ही चैलेंज था, इन्फ्लेशन, राइट, इन्फ्लेशन वॉज द बिगर चैलेंज। अब यहां पे ना मैं आपको एक बात बताऊंगा कि वाई इन्फ्लेशन सबको एक साथ हिट किया, राइट। अभी आप एक चीज समझो, कोविड भी सबके सबके देश में ऑलमोस्ट एक साथ आया, सबने लॉकडाउन लगाया, कोई छोटे लेवल पे लगाया, कोई बड़े लेवल पे लगाया, फॉर एग्जांपल चाइना ने कभी लॉकडाउन नहीं लगाया, राइट, सो दे हैड कंप्लीटली डिफरेंट पॉलिसी, जीरो कोविड पॉलिसी, तो उसकी भी डिस्कशन इसमें हुई है, मतलब इस पर्टिकुलर चैप्टर में, हाउ चाइना हैड डिड इट, बट विल नॉट डिस्कस दैट, विल डिस्कस रेस्ट ऑफ दी यू नो सेंट्रल बैंक्स। हाँ यस आकाश, इन जनरल सेंट्रल बैंक्स ऑल ओवर द वर्ल्ड, गुड। तो देखो कोविड के टाइम पे लॉकडाउन था, एंड लॉकडाउन जब था हर सेंट्रल बैंक के सामने एक ऑप्शन ये था कि उनको ग्रोथ को बूस्ट करना है, राइट। तो ग्रोथ बूस्ट करने का उनके पास तरीका क्या था कि कॉस्ट ऑफ बोरोइंग, कॉस्ट ऑफ बोरोइंग, ओके, कॉस्ट ऑफ बोरोइंग को कम कर देना, मतलब रेपो रेट को नीचे लेके आना ताकि इकोनॉमी में ग्रोथ बूस्ट हो, एंड एवरी सेंट्रल बैंक डिड दिस सेम थिंग, वो रेपो रेट को नीचे लेके गए, राइट।
बट एट दैट टाइम किसी को ये नहीं पता था कि आगे सप्लाई चेन हिट होगा बिकॉज ऑफ रशिया यूक्रेन वाला वॉर। बट यस, एवरीवन न्यू कि कहीं ना कहीं ये जो काम वो कर रहे हैं ये घूम के उनको वापस आएगा ही, बिकॉज इकोनॉमी में ना कुछ चीज समय के बाद आता है, मतलब एवरीथिंग इज नॉट बीइंग सो फ्रीक्वेंट कि आज रेट कम किया कल से वो सप्लाई बूस्ट हो गया, डिमांड बूस्ट हो गया। नो राइट, डिमांड बूस्ट होने में टाइम लगता है। सो इस वजह से कभी भी ये जो लॉकडाउन का पीरियड था 1-1.5 साल का, कोविड का पीरियड, नो कंट्री हैज सीन द रिसेशन बिकॉज ऑफ दिस स्टेप। बट देन रशिया यूक्रेन का वॉर वॉज एन एडिशनल थिंग दैट हैज हैपेंड विद एवरीवन। ग्लोबल सप्लाई चेन हिट हुआ, इन्फ्लेशन आया, एंड इन्फ्लेशन तो पाइल अप हो ही रहा था कि रशिया यूक्रेन वॉर उसको और टॉपअप कर दिया, जिस वजह से इन्फ्लेशन और ज़्यादा बढ़ गया। अब इन्फ्लेशन बढ़ जाने की वजह से एवरी सेंट्रल बैंक के सामने वही चैलेंज था कि अब हमको रेपो रेट को गिराना है, अब मतलब सॉरी रेपो रेट को बढ़ाना है सो दैट मनी सप्लाई कम हो जाए, मनी सप्लाई को कम करना है। सो फेडरल रिजर्व रेस दी पॉलिसी रेपो रेट बाई 425 बीपीएस पॉइंट, यूरोपियन सेंट्रल बैंक एंड बैंक ऑफ इंग्लैंड 300 बीपीएस एंड 250 बीपीएस रेस्पेक्टिवली से ये लोग पढ़ाए। व्हाट डिड आरबीआई डू एट दैट टाइम? राइट, तो आरबीआई की अगर हम बात करें तो देखो आरबीआई भी अप्रैल से ये धीरे 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 बढ़ाना शुरू कर दिया। पहले रिवर्स रेपो रेट का एक ऑप्शन था, बट रिवर्स रेपो रेट को आरबीआई ने अभी तक मतलब रिप्लेस नहीं किया, बट यस आरबीआई ने एसडीएफ लॉन्च किया। राइट, ये आई थिंक 3.75% से लॉन्च हुआ है। यूजिंग दैट विदाउट रेपो ऑपरेशंस आरबीआई लिक्विडिटी को सक कर सकता है। व्हाई? बिकॉज बैंकों के पास अपॉर्चुनिटी है कि वो अपने पैसे जो कि वो आरबीआई के पास रख रहे हैं उससे वो कुछ इनकम जनरेट कर पाए, एंड दैट इज वाई एसडीएफ वाज लॉन्च्ड। तो ये सारा मॉनिटरी मैनेजमेंट साइड पे आरबीआई साल भर करता गया। राइट, तो बाकी सेक्टर्स मतलब बाकी सारे चीज कैसे काम किए? इम्प्रूव्ड इन एसेट क्वालिटी एंड स्ट्रेंथनिंग ऑफ बैलेंस शीट। सो इफ यू सी सेप्टेम्बर 21 डिक्लाइनिंग शेड्यूल कमर्शियल बैंक ग्रॉस एनपीए। राइट, अभी आप देखो यहाँ पे तो शेड्यूल कमर्शियल बैंक की बात की, लेकिन आप सब चीज का देखो ये ग्रीन वाला सब जगह पे छोटा है। ये ग्रीन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? सेप्टेम्बर 22। अगर आप देखोगे ग्रॉस एनपीए हैज गॉन डाउन फॉर ऑलमोस्ट ऑल ऑफ देम, चाहे पब्लिक सेक्टर बैंक हो, प्राइवेट हो, फॉरेन हो या शेड्यूल कमर्शियल बैंक हो, हर कोई हो। अगर हम प्रोविजनिंग की बात करें तो प्रोविजनिंग भी अच्छा था सब बैंकों का, मतलब राइट। सो दिस शोज दैट बैंक का जो एसेट क्वालिटी है उसमें अच्छा खासा इंप्रूवमेंट आया है बिकॉज ऑफ द स्टेप्स दैट आरबीआई हैज टेकन। नेक्स्ट हम चलते हैं आगे, देखते हैं कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो वेल अबव द रिक्वायरमेंट लेवल, कुछ 16% के आसपास सर्वे में बताया गया है। राइट, कुछ एग्जैक्ट डेटा पॉइंट्स यू विल हैव टू रीड फ्रॉम द पीडीएफ। आई विल रिपीट दिस थिंग अगेन एंड अगेन बिकॉज मेनी ऑफ यू आर प्रिपेयरिंग न्यू। आपको शायद ऐसा लग सकता है कि मतलब मैं ये वीडियो देख लूँगा, इस पीडीएफ को डाउनलोड कर लूँगा तो दैट इज़ इनफ। सो नो माय डियर फ्रेंड्स, दैट वुड नॉट बी इनफ। आपको ये वीडियो को देखना भी है एंड साथ में आपको जो पीडीएफ हम प्रोवाइड करेंगे यू नो बाय टुमारो दैट विल गेट अपलोडेड इन द वेबसाइट, आपको उसको कम से कम 2-3 बार पढ़ना है। राइट, बिकॉज फॉर आरबीआई सेबी नाबार्ड जितने भी अपकमिंग एग्जाम है ना, सब एग्जाम में इकोनॉमिक सर्वे एंड बजट इज लाइक गीता बाइबल एंड कुरान, यू विल हैव टू चूज योर्स। ठीक है, सो बढ़ते हैं आगे। अब हम देखते हैं जो आपको याद होगा मैंने आईबीसी के बारे में पहले भी बात किया था। राइट, इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड। देखो पहले से लोक अदालत था, डेट रिकवरी ट्राइब्यूनल था, सरफेसी एक्ट था। तो जब आईबीसी आया तो एज ए सिटीजन हमको भी ये लगता होगा कि क्यों आया आईबीसी, पहले से तो 3 चीज ऑलरेडी है, वाई टू एड वन मोर थिंग। सो आपको फिर से मैं उस याद पे लेके जा रहा हूँ जहाँ पे इकोनॉमिक सर्वे में चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर ने 2014 से 2022 के पीरियड को उन्होंने बताया कि गवर्नमेंट इज मोर फोकस्ड ऑन क्रिएटिंग यू नो क्रिएटिंग एन एनवायरमेंट फॉर बिजनेस प्लस मेकिंग पीपल्स लाइफ ईजी। ठीक है, तो आईबीसी इज वन ऑफ देम। आईबीसी के लॉन्च से क्या हुआ आप ये रिजल्ट देखो। अगर 2021-22 की बात करें
तो रिकवरी कहाँ पे सबसे ज्यादा हुआ? इट इज थ्रू आईबीसी 47,421 करोड़। बाकी से भी हुआ, लोक अदालत से भी हुआ, डेट रिकवरी ट्राइब्यूनल से भी हुआ, सर्वेशी एक्ट से भी हुआ, लेकिन सबसे ज्यादा ये आईबीसी से हुआ। सो दिस शोज दैट यू नो, मतलब आप कनेक्ट करो, देखो इट्स लाइक एन स्टोरी, ठीक है। ये जो पूरा डॉक्यूमेंट है ना, ये सब इंटर रिलेटेड है, इसलिए आप देखो कि कुछ बात मैं रिपीट भी कर रहा हूँ, जैसे आईबीसी की बात मैंने पहले भी की है। तो अब आपको ना वो कनेक्ट करना है, ये 2024 और 2022 वाला जो बात पहले उन्होंने किया था चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर ने चैप्टर 2 में, वो अभी पूरा कंटिन्यू होगा चैप्टर 12 तक। सो एवरी टाइम व्हेन यू यू नो सी, यू विल हैव टू कनेक्ट टू दैट, एंड जहाँ पे वो कनेक्शन आपको समझ में नहीं आएगा, कमेंट सेक्शन में आप बेझिझक लिख दो, आई एम देयर टू हेल्प यू आउट, बट आपको लिखना तो है। बढ़ता हूँ आगे नेक्स्ट स्लाइड में। अब हम देखते हैं बाकी फाइनेंशियल इंटरमीडिएशन, बाकी फाइनेंशियल सिस्टम पे कैसा काम हुआ। अगर आप अप्रैल नवंबर 2021 और अप्रैल से नवंबर 2022 की बात करोगे, तो आप देखो जो आईपीओ है, नंबर ऑफ आईपीओ वाज 370, ओनली 76, एंड यहाँ पे 104, राइट। एफपीओ 0 था, एफपीओ यहाँ पे 1 आया, राइट इशू 18 था, 37 आया। सो दिस शोज जो रिसोर्स मोबिलाइजेशन है इकोनॉमी में, इवन फ्रॉम दी प्राइमरी मार्केट। तो हमने तो देखो पहले हमने बैंकिंग सिस्टम का देख लिया सब, अब हम देखते हैं प्राइमरी मार्केट, सेकेंडरी मार्केट का भी सब समझते हैं, राइट। तो प्राइमरी मार्केट इज एन इंपॉर्टेंट इंडिकेटर, क्योंकि यहाँ से पैसा फर्स्ट टाइम कोई उठा रहा है। तो प्राइमरी मार्केट में आप देखो कि यहाँ पे भी देर इज एन ह्यूज यू नो ग्रोथ, ठीक है, चाहे इक्विटी साइड पे हो या चाहे डेट साइड पे भी हो। सो बढ़ते हैं आगे। अगर हम स्टॉक मार्केट परफॉर्मेंस की बात करें, तो इंडिया हैज एक्चुअली आउट परफॉर्म इट्स पियर्स। मतलब अगर आप इंडिया को कंपेयर करोगे यूके, जर्मनी, जापान, ब्राजील, यूएसए, साउथ कोरिया, किसी के भी साथ, सर्वे ये बताता है कि ओनली इंडियन स्टॉक मार्केट इज इन पॉजिटिव 3.9%, बाकी तो सब नेगेटिव टेरिटरी में है, राइट। सो दिस ऑल्सो शोज दैट द मॉनिटरी मैनेजमेंट बाय द गवर्नमेंट, बाय द सेंट्रल बैंक, बाय द अदर रेगुलेटर्स इन द इकोनॉमी, यू नो दे हैव डन ए वेरी गुड जॉब इन व्हाट दे आर डूइंग। सो दैट्स व्हाई ही कंक्लूडेड ए गुड ईयर। आपको चैप्टर के नाम्स में समझ में आ रहा है कि चैप्टर के नाम से ही आपको पूरा स्टोरी को कनेक्ट करना है, व्हाई इकोनॉमिक एडवाइजर इज टेलिंग ए गुड ईयर, राइट। ये सारा डेटा क्या दिखाया आपको, गुड ईयर दिखाया ना। चलो विद दिस आई विल हैव टू मूव टू नेक्स्ट चैप्टर, बट बिफोर दैट अगेन आई विल वेट फॉर 20 सेकेंड्स फॉर योर क्वेश्चंस। ओके, सो आई थिंक यू नो क्वेश्चंस तो इसमें भी नहीं है। सो लेट्स मूव टू दी नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज प्राइस एंड इन्फ्लेशन सक्सेसफुल टाइट रोप वॉकिंग, ठीक है। प्राइस एंड इन्फ्लेशन सक्सेसफुल टाइट रोप वॉकिंग। अब यहाँ पे आपको थोड़ा सा समझ में नहीं आ रहा है चैप्टर के नाम से, बट लेट मी टेल यू कि प्राइस एंड इन्फ्लेशन, क्योंकि इन्फ्लेशन हाई था, राइट। इन्फ्लेशन हाई भी था, क्या वो कंट्रोल हुआ, या कंट्रोल हुआ तो कैसे कंट्रोल हुआ? सो यस, कंट्रोल तो हुआ, दैट्स वाई इट्स सक्सेसफुल, बट इट वॉज वेरी टाइट रोप वॉकिंग। अब ये टाइट रोप वॉकिंग क्या है, ये हम आगे स्लाइड्स पे देखेंगे, ठीक है। तो बढ़ते हैं आगे और हम ये देखते हैं रिटेल इन्फ्लेशन ड्रिवन बाय फूड्स एंड बेवरेजेस ग्रोथ। तो देखो अगर रिटेल इन्फ्लेशन की बात करें, राइट, रिटेल इन्फ्लेशन मतलब क्या होता है, इट्स सीपीआई, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, जो कि नवंबर मंथ में कंट्रोल में आ गया। आई थिंक इट वॉज 5.88 सीपीआई, राइट। तो वो आरबीआई का जो टॉलरेंस बैंड है 2 से 6% के बीच में कब आया, नवंबर मंथ में, बट पूरे साल भर में तो वो ज्यादा ही था, एंड ज्यादा था, एंड वन आपको याद होगा नवंबर 3, नवंबर 3 में आरबीआई ने एक स्पेशल मीटिंग बुलाया मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी का, एंड दे हैव रिटन टू गवर्नमेंट व्हाई दे वर नॉट एबल टू कंट्रोल द इन्फ्लेशन फॉर द सक्सेसिव 2 क्वार्टर्स, राइट। बट आगे जाके गवर्नमेंट ने, जो दिसंबर मंथ में पार्लियामेंट सेशन हुआ, उसमें गवर्नमेंट ने ये बताया कि दे आर नॉट गोइंग टू मेक इट पब्लिक। सो इवन यू नो वी डोंट नो व्हाट वाज द रीजन, बट इकोनॉमिक सर्वे में उसका भी कुछ मेंशन नहीं है व्हाट वाज द रीजन, लेकिन
बाकी सारा डिटेल इसमें बताया गया है कि अप्रैल से दिसंबर के बीच में द इन्फ्लेशन वॉज हायर और यू कैन से वॉज ड्रिवन बाई द फूड्स एंड बिवरेज को, मतलब बोलते ना फूड इन्फ्लेशन, वो हाई था। समझ में आया? सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट। यस, मेजर टू कंटेन इन्फ्लेशन इन इनपुट प्राइस। अब क्या क्या मेजर लिया गया? देखो, अगर फ्यूल प्राइस की बात करें तो अब यहाँ पे ना सबसे पहले हम बात करते थे प्राइस क्यों बढ़ा। प्राइस क्यों बढ़ा? फ्यूल प्राइस कब बढ़ा? आफ्टर द कॉन्फ्लिक्ट बिगेन इन द मंथ ऑफ फेब्रुअरी लास्ट ईयर बिटवीन रशिया एंड यूक्रेन। उसके बाद फ्यूल प्राइस बढ़ते ही गया। एंड व्हाट गवर्नमेंट डिड नवंबर 4 को, है ना, मतलब फर्स्ट फेज में वो 5 रुपये पेट्रोल और 10 रुपये डीजल में उन्होंने टैक्स रिडक्शन किया। उसके बाद फिर सेकेंड फेज में उन्होंने 8 रुपये का और 6 रुपये का रिडक्शन किया। एंड उसके बाद दिस इज यू नो समथिंग फ्रॉम दी सेंट्रल गवर्नमेंट साइड। लेकिन हम अगर देखेंगे इसकी बात, मतलब स्टेट गवर्नमेंट्स, तो स्टेट गवर्नमेंट्स भी अपने अपने, है ना, रिस्पेक्टिव स्टेट्स में उनको जितना अलाउ करता है वो उतना उतना कम किए। कोई किसी ने 2 रुपये किया तो किसी ने 10 रुपये भी किया। सो दैट वॉज द मेजर यू नो टेकन टू टैकल द फ्यूल प्राइसेस। अभी आपको समझ में आ रहा है कि यहाँ पे चैप्टर का नाम क्यों लिखा हुआ है? टाइट रोप वॉकिंग, राइट? तो आपको देखो चैप्टर के नाम से कनेक्ट करना है सो दैट यू नो थिंग्स बिकम्स इजी फॉर यू। अब प्लास्टिक प्रोडक्ट्स का ये सब लिखा हुआ है, ये आप देख लेना। वैसे ही स्टील सेक्टर, जैसे कॉटन में तो पूरा जो कस्टम ड्यूटी है उसको हटाया गया। उसके बाद डायमंड्स एंड जेम स्टोन, ठीक है, देखो डायमंड्स एंड जेम स्टोन का जो रॉ प्रोडक्ट है उसके हम नेट इम्पोर्टर हैं, लेकिन उसका जो फिनिश प्रोडक्ट्स है ना उसके हम एक्सपोर्टर्स हैं। एंड वी एज ए कंट्री आर वेरी गुड इन दैट, मतलब एंड इंडियन मेड ज्वेलरी एंड जेम स्टोन्स का बहुत ज़्यादा डिमांड है। मतलब जेम स्टोन्स, मैंने मेड बोल दिया, नो, जेम स्टोन्स का जो भी ज्वेलरी बनता है वो दैट इज यू नो इन डिमांड इन द एंटायर वर्ल्ड, स्पेशली मिडिल ईस्ट। तो हम वहाँ पे नेक्स्ट ये भी है, तो ये दोनों साइड से है। देन केमिकल प्रोडक्ट, तो ये सारे सारे मेजर्स लिए गए सो दैट इन्फ्लेशन को कंटेन किया जाए। कंटेन का मतलब क्या है, समझना है? कंटेन का मतलब वो टॉलरेंस बैंड के अंदर लाया जाए, दैट्स कॉल्ड कंटेन, राइट? सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। अब हम देखते हैं जो मॉनेटरी मेजर्स आरबीआई ने लिया, आरबीआई ने लिया। देखो 8 अप्रैल को जो मॉनेटरी पॉलिसी मीटिंग हुआ था उसमें उन्होंने रेपो रेट को अनचेंज रखा एट 4%, 4% पे था, यानी 4% पे ऑलमोस्ट यू नो एक साल था। उसके बाद 4 मई 2022 को जो हुआ वो 4.4% पे हुआ, 40 बेसिस पॉइंट से बढ़ा, फिर 50 बेसिस पॉइंट एंड सो ऑन। सो द लेटेस्ट वन बींग दी 7 दिसंबर 2022। इसके बाद तो अभी फरवरी के, शायद इफ आई एम रिमेंबरिंग करेक्टली, कुछ 6 या 7 तारीख को फिर से मॉनेटरी पॉलिसी मीटिंग होना है। एंड जो भी मतलब जो भी डिसाइड होगा वो होगा। राइट नाउ इट्स एट 6.25%। बट वन थिंग टू नोट कि ये सारे मेजर्स का आउटकम क्या है, नवंबर के मंथ में दोनों WPI एंड CPI कंट्रोल में आ गया है। दैट्स वाई द चैप्टर सेज सक्सेसफुल टाइट रोप वॉकिंग, ठीक है? चैप्टर के नाम को भी आपको समझना है, क्या पता आपको इंटरव्यू में पूछ दे चैप्टर का नाम, है ना, मतलब चैप्टर का नाम नहीं पूछेगा बट उसका मीनिंग। सो यू विल हैव टू यू नो अंडरस्टैंड दिस फ्रॉम द स्टोरी परस्पेक्टिव। चलो बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट स्लाइड में, वो है हाउ इज द करेंट इन्फ्लेशन डिफरेंट फ्रॉम 1970। तो देखो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यू नो विच आई फेल्ट यू शुड नो। वाई? बिकॉज इसका एक बहुत अच्छा डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन बन सकता है, प्लस ये आपको इंटरव्यू में भी पूछा जा सकता है, बिकॉज ये इकोनॉमिक सर्वे में डायरेक्टली लिखा हुआ है हाउ इज द करेंट इन्फ्लेशन डिफरेंट फ्रॉम 1970s, राइट? तो 1970s में भी जो इन्फ्लेशन आया था वो इन्फ्लेशन मेजरली क्या था, मतलब मैं आपको ना एक ब्रॉड सेंस में बताता हूँ। इट वॉज बिकॉज ऑफ द ऑयल प्राइस राइज, सिंपल सा बात है, वो एक ही फैक्टर था बस, कि तब जो तेल का, क्रूड ऑयल का प्राइस था वो बढ़ गया था। तब हमारे पास आज के जैसा रोबस्ट एंड वेरी स्ट्रॉन्ग फॉरेक्स रिजर्व भी नहीं था, राइट, जिससे हम उसको उस चीज को फाइट कर सके, पहला चीज। दूसरा चीज,
बाकी सारा फैक्टर सही था। बट अभी का जो इन्फ्लेशन आया है, द करेंट इन्फ्लेशन, इट्स कम्प्लीटली डिफरेंट। इट्स नॉट जस्ट यू नो फ्रॉम द क्रूड ऑयल परस्पेक्टिव। अगर मान के चलो, मतलब मान के चलो, अगर रशिया यूक्रेन का वॉर नहीं भी होता तो हो सकता है क्रूड ऑयल का प्राइस नहीं बढ़ता, लेकिन हर कोई, हर इकोनॉमी अपने लोकल लेवल पे डिफरेंट डिफरेंट फैक्टर्स के वजह से इन्फ्लेशन को देख पाते। व्हाई? बिकॉज फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम एवरी इकोनॉमी, मतलब एवरी सेंट्रल बैंक हैज सपोर्टेड द ग्रोथ बाय रिड्यूसिंग द रेपो रेट। तो जब क्या होता है, देखो इकोनॉमिक साइकिल कैसे काम करता है, जब बहुत ज्यादा सप्लाई होता है एंड उसके अगेंस्ट में डिमांड कम होता है, इकोनॉमी में क्या, इकोनॉमी किस किस तरीके से रिएक्ट करती है, प्राइस कम हो जाता है एंड उसका उल्टा क्या, प्राइस बढ़ जाता है। तो इसका उल्टा किया गया ना, हर सेंट्रल बैंक ने क्या किया, कॉस्ट ऑफ बोरोइंग को लो रखा ताकि लोग ज्यादा से ज्यादा डिमांड करें। अब जब लोग बहुत ज्यादा डिमांड करने लगेंगे तो क्या होगा, प्राइस बढ़ेगा चीज का, राइट? तो अगर रशिया यूक्रेन का वॉर नहीं भी होता सो इन्फ्लेशन तो आता जरूर, एंड दैट इज वॉट यू नो थिंग्स वेयर एक्सप्लेन्ड इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ 1970, कि 1970 में जो हुआ था वर्ल्ड वाइड, यू नो बोथ क्राइसिस कंट्रीब्यूटेड टू राइसिंग कम्योडिटी प्राइसेस वर्ल्ड वाइड एंड देयर स्पिल ओवर इफेक्ट ऑन द प्राइस ऑफ अदर गुड एंड सर्विसेज। फर्स्टली द रिसेंट ऑयल प्राइस राइज आर प्रीडोमिनेटली स्मॉलर देन 1970 क्राइसिस विच हैव टेकन ऑयल प्राइस टू हिस्टोरिक हाई। ठीक है, तो मतलब 1970 में बेसिकली वो ऑल ऑयल प्राइस के वजह से था, बट अभी सिचुएशन वैसा नहीं है, राइट? ओके, सो एकता कुमारी, यू आर आस्किंग बेसिक पॉइंट। इट्स नॉट बेसिक पॉइंट, इट्स बेसिस पॉइंट। ये है बेसिस पॉइंट, या इसको हम बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में बीपीएस। 1% इज इक्वल टू 100 BPS। ठीक है, अगर मान के चलो ऐसा होता है ना कि अभी रेपो रेट कितना है, 6.25%। मान के चलो कल के दिन में ये 6.5% बन जाता है, तो इसको बोलने का एक तरीका ये भी है कि 25 BPS से बढ़ गया है। ठीक है, या 25 बेसिस पॉइंट से बढ़ गया है। एम आई क्लियर? आई होप आपको समझ में आ गया है। ओके स्नेहा, यू आर आस्किंग आउट परफॉर्म इज बेस्ड ऑन व्हाट? मैंने कब बताया था ये, आप थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट में लिखो सो दैट यू नो आई गेट एन आइडिया कि आप मतलब किस जगह की बात कर रहे हो। आई एम नॉट एबल टू रिकलेक्ट कि आप एग्जैक्टली क्या पूछना चाहते हो। सो ओके, नाउ विल मूव टू चैप्टर 6। ठीक है, हम अभी जाएंगे चैप्टर 6 में, बट अगेन लेट मी वेट फॉर यू नो 20 सेकेंड सो दैट इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस यू कैन आस्क। स्नेहा प्रधान, स्टॉक मार्केट ऑफ इंडिया एंड यूएस, मतलब मुझे समझ में नहीं आपका सवाल क्या है। स्टॉक मार्केट का मतलब आपने नहीं समझा। स्टॉक मार्केट मतलब सिंपल सा बात है, इंडिया में स्टॉक मार्केट की बात करेंगे तो मेजरली इट वुड बी सेंसेक्स, जिसको हम बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज बोलते हैं, मतलब ये सिनोनिम में यूज होता है, बट सेंसेक्स इज द इंडेक्स, राइट? एंड इट्स एक्चुअली बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। वैसा ही NSE, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। तो इसको हम जनरल, या हम बोलते हैं ना लेमैन टर्म्स में, हम बोलते हैं स्टॉक मार्केट, है ना, जहां पे हमको किसी कंपनी का स्टॉक या इक्विटी खरीदने को मिलता है। सो लेट्स बिगिन विद द चैप्टर 6, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड एम्प्लॉयमेंट, बिग टेंट, राइट? फिर से मैं चैप्टर का नाम अच्छे से आपको समझाता हूं, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, राइट, एंड एम्प्लॉयमेंट, मतलब गवर्नमेंट हमारे लिए क्या इंफ्रास्ट्रक्चर बना के दे रही है, क्या उससे हमारा लाइफ आसान हो रहा है। मतलब वी आर टॉकिंग अबाउट रोड्स, वी आर टॉकिंग अबाउट रेलवेज, वी आर टॉकिंग अबाउट एयरपोर्ट्स, वी आर टॉकिंग अबाउट स्कूल्स। समझ में आया? चलो अब बढ़ते हैं आगे। हम अभी अगर हम बात करें टोटल एक्सपेंडिचर की इन लाख करोड़ बाई जनरल गवर्नमेंट कंबाइंड सेंट्रल एंड स्टेट, सेंट्रल एंड स्टेट को कंबाइन करते हैं, तो टोटल एक्सपेंडिचर जो है वो है 80.1 लाख करोड़।
अब ये 2017-18 मतलब फाइनेंशियल ईयर 18 से फाइनेंशियल ईयर 23 जो कि अभी तक खत्म नहीं हुआ है, तो हम बजटरी एस्टिमेट को यूज़ कर रहे हैं, सर्वे में बजटरी एस्टिमेट को यूज़ किया गया है, राइट। तो आप देखो 45.2 से ये बढ़ के कहाँ तक पहुँचा, 80.1 तक पहुँचा। एक्सपेंडिचर इन सोशल सर्विसेज की अगर बात करें तो ये भी 11 पॉइंट से बढ़ता हुआ 21.3 तक पहुंचा, 21.3 लाख करोड़। एक्सपेंडिचर ऑन सोशल सर्विस एज ए परसेंटेज ऑफ जीडीपी, ठीक है, यहां पे थोड़ा आपको कंफ्यूज लग सकता है। ऐसे परसेंटेज ऑफ जीडीपी मतलब इंडिया का जीडीपी का साइज कितना है, समवेयर अराउंड यू नो 2.5, मतलब एक रफ आइडिया में बता रहा हूँ, 2.5 ट्रिलियन, राइट। तो ये 2.5 ट्रिलियन का परसेंटेज, 8.3% इज द एक्सपेंडिचर ऑन सोशल सर्विस, किसका, दोनों का, सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट का, ठीक है। एंड एक्सपेंडिचर ऑन सोशल सर्विस एज ए परसेंटेज ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर, तो ये क्या है, आपको ये येलो वाला लाइन ऊपर में दिखेगा, इट्स 26.6%। तो ये 26.6% आपको क्या दिखाता है, मतलब अगर गवर्नमेंट 100 रुपए गवर्नमेंट का इनकम है तो 26 रुपए 60 पैसा गवर्नमेंट किस में खर्च कर रही है, सोशल सर्विसेज में खर्च कर रही है, राइट, सेंट्रल एंड स्टेट। सो दिस शोज दी यू नो दी ईज ऑफ लिविंग, मतलब वो शुरू वाली बात फिर से कि किस तरीके से गवर्नमेंट ईज ऑफ लिविंग बना रही है, किस तरीके से बना रही है, बाय स्पेंडिंग 26.60% ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर इन दी सोशल सर्विसेज। इसको और अच्छे से समझते हैं, अगर आप इसको कंपेयर, मतलब ये तो आपने देख लिया लेकिन इसका मेजरमेंट क्या है, राइट, मतलब ये तो परसेंटेज टर्म में आपने देख लिया, हाँ मतलब 1/4 ऑलमोस्ट, राइट, 100 रुपए का 25 होता है 1/4, तो 25 से थोड़ा सा ज्यादा, 1/4 इज द अमाउंट ऑफ मनी दैट गवर्नमेंट इज स्पेंडिंग फॉर सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर। लेकिन सवाल वो है कि क्या ये एक्सपेंडिचर से मेरा लाइफ बदल रहा है, राइट, मतलब हर सिटीजन का लाइफ बदल रहा है, दिस इज व्हाट वी हैव टू थिंक कलेक्टिवली। तो ये हम कैसे नापते हैं, ये वी कैन मेजर यूजिंग दी HDI, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, क्योंकि HDI का जो डेटा है वो कैसे, मीन ईयर ऑफ स्कूलिंग है उसमें, लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ है, तो उसमें अलग अलग पैरामीटर्स हैं, उस पैरामीटर्स पे वेयर डू वी स्टैंड। देखो इकोनॉमिक सर्वे यहाँ पे इस चीज को एक्सप्लेन नहीं किया है, मतलब देयर इज नो एक्सप्लेनेशन कि 2020 में हम रैंक 130 पे थे, राइट, एंड 2021 में हम 132वें रैंक पे आ गए, मतलब वी हैव डिग्रेडेड इन टर्म्स ऑफ ह्यूमन वैल्यू, इन टर्म्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, राइट। तो ये 0.633 है। तो यहाँ पे इकोनॉमिक सर्वे सिर्फ इतना आपको बताता है कि अगर इंडिया के डेटा को हम कंपेयर करें साउथ एशियन रीजन पे, तो साउथ एशियन रीजन पे हम उसके एवरेज से तो ऊपर हैं, विच इज राइट, वाई, क्योंकि साउथ एशियन का एवरेज क्या है, 0.632 और हम हैं 0.633, सो इसके एवरेज से वी आर ऑन दी बेटर पोजिशन। तो मतलब हम अपने लोकल एरिया पे, साउथ एशियन रीजन पे वी आर बेस्ट, राइट, बट हम पूरे दुनिया को अगर हम कंपेयर करें तो जितना भी हम 1/4 खर्चा कर रहे हैं, जो कि हमने लास्ट स्लाइड पे देखा, वो काफी नहीं है, राइट, इसीलिए इन्होंने बोला बिग टेंट। अब समझ में आ रहा है मीनिंग, दिस इज द रीजन व्हाई द चैप्टर इज नेम्ड एज बिग टेंट। चलो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। या अब हमने बात कर ली ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की, लेकिन ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का ही एक और रिपोर्ट होता है MPI, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। अगर हम उसकी बात करें तो 2005-06 में 55.1% ऑफ द पीपल वेयर पुअर, 2015-16 में ये 27.7 हुआ, 2019-21 के बीच में ये 16.4 हुआ। दिस शोज द डिक्लाइनिंग ट्रेंड, मतलब मोर एंड मोर पीपल आर गेटिंग आउट ऑफ पॉवर्टी, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, नंबर ऑफ मल्टी डायमेंशनली पुअर पीपल इन करोड़, तो 65 करोड़ थे, अभी 37, अभी है 23 करोड़ लोग। स्टिल 23 करोड़ इज ए वेरी बिग नंबर, राइट, मतलब आप अगर US का पॉपुलेशन लोगे विच इज समवेयर अराउंड 33 करोड़,
तो उसके कंपैरिजन में देखो कितने लोग हमारे पास गरीब हैं, हु आर कॉल्ड मल्टी डायमेंशनली पुअर, राइट? सो स्टिल विद दैट अमाउंट, हमने ये वाले स्लाइड, मतलब पिछले, मैं दो स्लाइड्स पीछे जाता हूँ फिर से ताकि आपको ना वो समझ में आए. स्टिल विद दिस अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर वी सी द प्रॉब्लम हियर, कि हम 2 साल में प्रोग्रेस नहीं कर पाए, हम नीचे गए 2 पॉइंट टेबल पे. उसके बाद यस, एज पर द डेटा हम बहुत सारे लोगों को पॉवर्टी से हटा पाए, बट इट इज नॉट इनफ. एंड यही चीज ये रिपोर्ट में भी लिखा हुआ है, राइट? अब इसमें अगर, अब क्योंकि ये एम्प्लॉयमेंट भी है, एम्प्लॉयमेंट का डेटा भी हमको देखना है, अगर हम शेयर वाइज, सेक्टर वाइज शेयर ऑफ टोटल एम्प्लॉयमेंट अकॉर्डिंग टू QES देखें, राइट, तो वो क्या होगा, 39% ऑफ द पीपल वर्क इन द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, राइट? एंड ये डेटा आपके MCQ फॉर्मेट में भी पूछ सकता है कि कहाँ पे लोग ज़्यादा काम करते हैं. तो 39% से मैन्युफैक्चरिंग में सबसे ज़्यादा काम करते हैं, बाकी आप देख लीजिएगा, ठीक है? सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड, विच इज टोटल पर्सन एंगेज इन फैक्ट्री बाय स्टेट यूनियन टेरी एज पर द ASI, ठीक है? तो ये भी एक सवाल आपका MCQ बन सकता है कि सबसे पहला स्टेट कौन है. तो कौन है, इट्स तमिलनाडु, देन इट्स गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, कर्नाटका, हरियाणा एंड सो ऑन. तो ये जो डेटा है आप देख रहे हो, इस डेटा में सब स्टेट का डेटा नहीं है, बिकॉज इस रिपोर्ट में सिर्फ उन स्टेट को कंसिडर किया गया है जहाँ पे 1 लाख टोटल पर्सन एंगेज इन फैक्ट्री सेक्टर, सिर्फ 1 लाख प्लस वाले लोगों को किया गया है, स्टेट्स को बाकी नहीं किया गया, राइट? सो यू डोंट सी द नेम ऑफ ऑल दी स्टेट्स. चलो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड. अब हम बात करते हैं हेल्थ, है ना, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर में हेल्थ बीइंग वन ऑफ द मेजर थिंग. मेजर इसलिए क्योंकि कोविड के टाइम में इट वाज यू नो इन द प्राइमरी लाइमलाइट फॉर द एंटायर वर्ल्ड कि इस सेक्टर को फिक्स करना है, उसके बाद बाकी का बाद में देखेंगे. तो हम बात फिर उसी पीरियड की करेंगे, 2014 से 2022 तक क्या हुआ. 2014 में मिशन इंद्रधनुष लॉन्च किया गया, राइट, स्वच्छ भारत अभियान लॉन्च किया गया. 15-16 में भी बहुत सारा चीज, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, प्रधानमंत्री नेशनल डायलिसिस प्रोग्राम, ये सारा चीज किया गया. 17 में 18 में, मतलब ये सब आप यू नो थ्रू PDF, आई मीन इसका PPT भी आप डाउनलोड कर ही लोगे एंड PDF भी आप वेबसाइट से डाउनलोड कर लोगे, सो दैट यू नो यू कैन रिवाइज इट, क्योंकि ये आपको एक बार में याद नहीं होगा, आपको इसका रिविजन करना होगा, राइट? चलो अब बढ़ेंगे आगे नेक्स्ट स्लाइड पे. ओके, इम्प्रूवमेंट इन हेल्थ रिलेटेड इंडिकेटर्स, राइट? हेल्थ रिलेटेड इंडिकेटर्स में क्या इम्प्रूवमेंट आया है, दिस शोस. तो देखो ये है इम्प्रूवमेंट, और इम्प्रूवमेंट को किस डेटा से चेक किया गया है, NFHS, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे, 2015-16 में हुआ था, जो NFHS 4 और NFHS 5, जो पिछले साल इसका डेटा रिलीज किया 2019 और 21 के बीच में. इसके हिसाब से यू कैन सी ऑल द डेटा हियर, राइट? जितने भी ग्रीन पे हैं दोस वे द एरियाज वेयर वी हैव इम्प्रूव्ड, एंड रेड जहाँ जहाँ पे हैं दोस वे द एरियाज वेयर वी हैव डिटोरिएटेड इन टर्म्स ऑफ इम्प्रूवमेंट इन हेल्थ इंडिकेटर. तो मेजरली आप क्या देख रहे हो, इम्प्रूवमेंट ही दिख रहा है. दिस शोज दैट यस, हम जो एक्सपेंडिचर कर रहे हैं वो सही डायरेक्शन पे तो है, बट दैट इज अगेन नॉट इनफ. ऑब्वियसली दैट इज नॉट इनफ, क्योंकि हमको और फास्ट पेस में करना होगा. तो यही सारा चीज ये डेटा के थ्रू इकोनॉमिक सर्वे में एक्सप्लेन किया गया है. अब बढ़ते हैं आगे, क्वालिटी ऑफ लाइफ को डिस्कस करते हैं. आपको याद होगा पहले सेम थिंग वही वाला बात मैं रिपीट करूंगा, 2014 से 2022 के बीच में गवर्नमेंट का फोकस क्या रहा है, क्वालिटी ऑफ लाइफ. क्वालिटी ऑफ लाइफ को कैसे एनहेंस किया गया, एफोर्डेबल क्वालिटी हेल्थ केयर यूजिंग PMJY, ठीक है? उसके बाद ऑल वेदर रोड्स, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, राइट? उसके बाद नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, अभी तो कुछ दिन पहले PM श्री स्कीम भी अनाउंस किया गया है, जहां पे 14,500 स्कूल को अपग्रेड किया जाएगा एंड सेटअप किया जाएगा, राइट, इन टू दी PM श्री स्कीम. सोशल सिक्योरिटी, उसके बाद लाइवलीहुड सिक्योरिटी. लाइवलीहुड सिक्योरिटी मतलब मनरेगा के थ्रू उनको एक एक स्टेबल इनकम ऑफर करना, सो दैट इज गारंटीड बाय द एक्ट,
राइट। सो मनरेगा इज एन एक्ट, वैसे ही कुकिंग कुकिंग फ्यूल, स्किल डेवलपमेंट, सैनिटेशन, इलेक्ट्रिसिटी, हाउसिंग फॉर ऑल थ्रू प्रधानमंत्री आवास योजना, जल जीवन मिशन के थ्रू जल ये टैप कनेक्शन प्रोवाइड कराना, उसके बाद स्किल डेवलपमेंट थ्रू स्किल डेवलपमेंट का जो भी प्रोग्राम है उसके थ्रू करना, राइट। सो ऑल दोज थिंग्स आर हेल्पिंग टूवर्ड्स अपलिफ्टिंग द क्वालिटी ऑफ लाइफ। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट इसके तरफ, अब सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड एम्प्लॉयमेंट, इस पर और क्या क्या हुआ। एनहेंस गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर फॉर बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ, जो कि आपने देखा इस पर्टिकुलर स्लाइड पे, राइट। उसके बाद ओवर 14,500 पीएम श्री स्कूल, जो हमने लास्ट में देखा, आईआईटी, आईआईएम्स और यू नो ट्रिपल आईटीज में बढ़ना, अर्बन एम्प्लॉयमेंट प्री पैंडमिक लेवल के पास पहुंचना, जो कि 20.9% हो गया था वो भी गिर के 7.2% पे आ गया है, ईपीएफओ का एनरोलमेंट बढ़ जाना, ये सारा चीज क्या दिखाता है, ये सारा चीज दिखाता है कि गवर्नमेंट इज वर्किंग ऑन दी सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर साइड एंड थिंग्स आर इम्प्रूविंग। अब बीच में कोविड की वजह से थिंग्स वेयर यू नो ड्रैग बैक, वो पीछे आ गया था, अभी वो फिर से धीरे धीरे रिकवर कर रहा है, राइट। अगेन आई विल वेट फॉर 22nd ईयर फॉर योर क्वेश्चन, देन आई विल मूव टू चैप्टर 7 विच इज नेक्स्ट चैप्टर। ओके, आई थिंक कोई क्वेश्चन नहीं है, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड, दैट इज चैप्टर 7, क्लाइमेट चेंज एंड एनवायरमेंट, प्रिपेयरिंग टू द फेस ऑफ फ्यूचर। अब ये फेस ऑफ फ्यूचर क्यों, देखो क्लाइमेट चेंज एंड एनवायरमेंट, क्लाइमेट चेंज इज वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, क्योंकि COP 26, मतलब अगर इसकी बात मैं शुरू करूं तो ये शुरू तो यू नो MDG से होता है, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स, उसके बाद उसका नॉमिनी कल्चर को चेंज किया गया थ्रू पेरिस एग्रीमेंट, 2012 में वो अडॉप्ट किया गया, बट वो इम्प्लीमेंट 2015 से हो रहा है एंड इट इज स्टिल यू नो वी आर येट टू अचीव इट टिल 2030, बट उस बीच में कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी COP 26, लेट मी डिस्कस मोर अबाउट COP 26, जहाँ पे प्राइम मिनिस्टर ने पंचामृत की बात की, मतलब देश के सामने 5 टारगेट है जिसको पूरा करना है, 2030 में कुछ पूरा करना है, 2070 तक कुछ कुछ पूरा करना है, ऑल रिगार्डिंग द क्लाइमेट चेंज, राइट। सो एंड इकोनॉमिक सर्वे पे एक चीज का एक्सप्लेनेशन ये भी किया गया कि कुछ यू नो देर आर फ्यू एरियाज विच इवन साइंस इज नॉट एबल टू एक्सप्लेन, कि अगर हम ये ना करें तो फ्यूचर में क्या ये फिक्स होगा। फॉर एग्जाम्पल सी, इफ कार्बन एमिशन इज रिड्यूस्ड देन वी नो व्हेन देर इज लेस ग्रीन हाउस यू नो मतलब ग्रीन हाउस गैसेस जो होता है, व्हेन देर इज लेस एमिशन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस देन ओजोन लेयर बचा हुआ रहेगा, आर्टिक में जो मतलब आर्टिक रीजन में जो बर्फ है वो गल जा रही है ना, स्नो मेल्ट हो जा रहा है, वो मेल्ट नहीं होगा। सो दिस आर फ्यू थिंग्स यू नो दैट आर प्रूवन कि ये हम करेंगे तो ऐसा होगा, बट अगेन देर आर फ्यू थिंग्स इवन साइंस इज नॉट एबल टू एक्सप्लेन कि क्या हम ये करना रोक देंगे या इसको इस प्रकार करेंगे तो फ्यूचर में कोई चैलेंज नहीं आएगा। सो वी डोंट नो वॉट इज गोना हैपन इन फ्यूचर, राइट। बट इसीलिए चैप्टर का नाम दिया है प्रिपेयरिंग टू फेस द फ्यूचर, मतलब एवरीथिंग इज नॉट प्रूवन राइट नाउ बट वी हैव टू डू सर्टेन थिंग्स जिससे हमारा फ्यूचर अच्छा रहे एंड हम फ्यूचर को फेस कर पाए, ये है चैप्टर का मीनिंग। अभी मैंने जो पंचअमृत की बात की है, राइट, उसमें से एक क्या है कि 2070 तक इंडिया नेट जीरो प्लेज को अचीव करेगा। अगर दूसरे कंट्रीज की आप टारगेट देखोगे तो 2060 तक किन्होंने बोला, चाइना, इंडोनेशिया, रशियन फेडरेशन, सऊदी अरेबिया, इन्होंने कितने तक बोला 2060, 2053 इट्स टर्की, राइट, एंड आई थिंक अर्जेंटीना एज वेल बट आई एम नॉट प्रीटी श्योर, 2050 तक ये सारे कंट्री 2050 तक बोला, ओनली वन कंट्री इज देयर 2045, वो है जर्मनी, जिन्होंने बोला कि हम 2045 तक ही नेट जीरो को अचीव कर लेंगे, राइट। तो इससे COP 26 इज वेरी इंपॉर्टेंट, लेकिन अब हमने तो देख लिया हमको क्या करना है,
हमने हमारा टारगेट्स भी देख लिया इस स्लाइड पे कि दिस इज अवर टारगेट कि 2070 तक हमको नेट जीरो अचीव करना है। बट द थिंग इज दैट आर वी डूइंग इनफ जिससे हम इस टारगेट को अचीव कर पाए, वो हमें सोचना है। एक है नेशनल सोलर मिशन, जो है नेशनल सोलर पावर कैपेसिटी इंस्टॉल्ड। तो मतलब हमने जो सब किया वो सारा चीज़ यहाँ पे आपको लिखा हुआ मिलेगा, ऑब्वियसली पीडीएफ्स में भी रहेगा एंड आपको इसको बार बार पढ़ना है ताकि आपको चीज़ याद हो, राइट। उसके बाद नेशनल एडाप्शन फंड फॉर क्लाइमेट चेंज इस सेंट्रल सेक्टर स्कीम वॉज इनिशिएटेड इन 2015-16 टू सपोर्ट द एडाप्टेशन एक्टिविटीज इन द स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज, इसके बारे में भी आपको पढ़ना है। एज ऑफ टुडे, आई मीन टुडे नहीं, जो भी इकोनॉमिक सर्वे में डेट लिया गया, इट्स नवंबर 2022, 28 प्रोजेक्ट्स आर अंडर इम्प्लीमेंटेशन। कितना है प्रोजेक्ट्स? 28। मतलब आपको देखो, आपको जब सवाल किया जाएगा ना, तो आपको ये पूछा जाएगा एज पर इकोनॉमिक सर्वे, तो जो भी सर्वे में लिखा होगा वो आंसर होगा, राइट। आपको ये डेट पे नहीं जाना है, प्रोबेबली आज के दिन में हो सकता है 28 का 29 हो गया होगा, लेकिन अगर क्वेश्चन में आपको ये लिखा हुआ है एज पर इकोनॉमिक सर्वे, तो आपका आंसर 28 ही होगा, बिकॉज इकोनॉमिक सर्वे 28 बताता है। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड देन। अगर हम मतलब देखो, क्लाइमेट चेंज में एक फैक्टर ये भी है कि फॉरेस्ट कवर कितना है, राइट। बिकॉज फॉरेस्ट के थ्रू क्या होता है, पेड़ कार्बन डाइऑक्साइड, जो कार्बन डाइऑक्साइड है एनवायरनमेंट में, दैट कैन बी यू नो सक्ड यूजिंग द ट्री। सो फॉरेस्ट कवर जितना ज़्यादा होगा, उतना ज़्यादा एक नेशन का कैपेसिटी होगा टू यू नो मतलब कंज्यूम कर लेते हैं। सो कार्बन स्टॉक इन द फॉरेस्ट अगर आप देखोगे 2011 से लेके 2019 तक, यू विल सी इट इन द राइजिंग ट्रेंड, राइट। ये 7,004 हो गया। सो कार्बन स्टॉक इन द फॉरेस्ट इन इंडिया हैज बीन राइजिंग, ये डेटा बताता है। अगर आप स्टेट वाइज देखोगे, सो अरुणाचल प्रदेश हैज द मैक्सिमम कार्बन स्टॉक इन द फॉरेस्ट, फॉलोड बाय मध्य प्रदेश। तो ये को ध्यान देना है, राइट, स्टेट्स का नाम। अरुणाचल प्रदेश इज एट द टॉप एंड देन फॉलोड बाय मध्य प्रदेश। तो अब इसको मैं सम अप करता हूँ। सम अप में ये है, इंडिया हैज अचीव्ड इन एनडीसी टारगेट्स 40% ऑफ द इंस्टॉल्ड इलेक्ट्रिक कैपेसिटी ऑफ नॉन फॉसिल फ्यूल सोर्सेज वेल इन एडवांस, हमने अचीव कर लिया है। राइजिंग शेयर ऑफ फॉसिल फ्यूल सोर्सेज इंस्टॉल्ड इन इलेक्ट्रिसिटी कैपेसिटी। उसके बाद नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन टू लीड टू प्रोडक्टिविटी कैपेसिटी ऑफ एटलीस्ट 5 MMT ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन। मतलब देखो, ये सारा चीज़ तो आपको याद करना है, राइट। सो आप PDF डाउनलोड करोगे सो आपको याद होगा। अगेन आई विल वेट हियर फॉर 20 seconds, देन आई विल मूव टू Chapter 8। इफ यू हैव एनी डाउट्स प्लीज आस्क। ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। आई डोंट सी एनी क्वेश्चन। दैट इज Chapter 8, एग्रीकल्चर एंड फूड मैनेजमेंट, राइट। तो देखो, एग्रीकल्चर को लेके आई विल नॉट टॉक मच, बिकॉज एग्रीकल्चर रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, यू कैन वॉच इट इन अवर एग्रीबी चैनल एज वेल। कैलाश सर का वीडियो इज ऑलरेडी लाइव, बट येस आई विल टेल यू फ्यू इंपॉर्टेंट थिंग्स लाइक MSP, मिनिमम सपोर्ट प्राइस फॉर ऑल मैंडेटेड क्रॉप्स fixed at 1.5% at all India weighted average cost of production since 2018. ये कब से हो रहा है? 2018 से हो गया 1.5 times। तो देखो, ये है MCQ, आपको या तो पूछ सकता है कब से और कितना। तो कब से इस 2018, कितना इस 1.5 times, राइट। तो ये आपको ध्यान देना है। देन कंटिन्यूड ग्रोथ इन इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट टू एग्रीकल्चर सेक्टर। 315 million tons ऑफ फूड ग्रेन प्रोड्यूस इन इंडिया इन 2021-22। ये पिछले साल, पिछले फाइनेंशियल ईयर जो 31 मार्च 2022 को ख़त्म हुआ है, उस फाइनेंशियल ईयर की बात कर रहे हैं, राइट। PM किसान में फाइनेंशियल सपोर्ट 11.3 करोड़ फार्मर्स को सपोर्ट किया गया एंड सो ऑन। अगर आप मतलब एग्रीकल्चर ग्रोथ की बात करोगे, इट्स समवेयर यू नो बॉयंट, ये कुछ 4.6% के आसपास है। You can see this graph, right? So let's move to the next one. That is MSP to ensure overall cost of production. MSP की बात तो हमने पहले ही देख ली। Enhance credit to agriculture credit.
तो पहले एग्रीकल्चर क्रेडिट इतना आसानी से नहीं मिलता था जितना आसानी से अब मिलता है बिकॉज ऑफ केसीसी, किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम, राइट। तो आप अगर किसान क्रेडिट कार्ड का डेटा देखोगे कि बैंक ने 3.89 करोड़ एलिजिबल फार्मर को टोटल क्रेडिट लिमिट दिया है 4,51,672 करोड़। तो ये पैसा कहीं ना कहीं किसी ना किसी फार्मर तो को तो गया है, एंड दैट हैज हेल्प्ड इन यू नो अपलिफ्टिंग देयर प्रोडक्टिविटी इवेंचुअली। सो दैट इज हाउ थिंग्स आर कनेक्टेड, एंड यू विल हैव टू कनेक्ट बिटवीन चैप्टर्स, चाहे ये हो चाहे दूसरा चैप्टर्स हो। आगे बढ़ते हैं हम। कंटिन्यूड इंक्रीज इन इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट टू एग्रीकल्चर सेक्टर। इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट क्या है? बैंक से क्रेडिट, मतलब फॉर्मल चैनल से क्रेडिट मिलना, चाहे बैंक हो चाहे एनबीएफसी हो, मोस्टली इट्स बैंक। तो अगर आप देखोगे कि 2014-15 में इट वॉज ओनली 8.5 लाख करोड़, लेकिन ये अभी बढ़ के 18.6 लाख करोड़ हो गया, राइट। सो दिस शोज दैट यू नो इट हैज इंक्रीज्ड, मतलब जो इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट है वो इंक्रीज हुआ है। अब जो हम इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स मना रहे हैं 2023 को, जिसको यूएनडीपी ने, मतलब इंडिया ने बताया था, फिर बहुत सारे देश ने इंडिया का साथ दिया, यूएनडीपी ने उसको एडॉप्ट किया। वी आर सेलिब्रेटिंग इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट, दैट इज 2023। सो यू शुड नो द मिलेट मैप ऑफ इंडिया, राइट। तो ये आपको तो पूरा ही, मतलब अगर आप नाबार्ड की एग्जाम दे रहे हो तो यू शुड नो अबाउट इट, राइट। मतलब एग्रीकल्चर बेस्ड कोई भी एग्जाम दे रहे हो, यू शुड नो द मिलेट मैप ऑफ इंडिया, कि लिटिल मिलेट कौन से स्टेट्स में मिलता है, सॉर्गम कौन से स्टेट में मिलता है, यू शुड नो इट, राइट। बिकॉज दिस 2023 इज इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट, एंड एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन तो रहेगा ही। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड, दैट इज रिगार्डिंग क्रॉप सेक्टर इज स्टिल द मेजर कॉन्ट्रीब्यूटर टू एग्रीकल्चर जीवीए, द लाइव स्टॉक इज स्टिल कैचिंग अप। अभी देखो, एग्रीकल्चर में एक होता है एग्रीकल्चर और एक होता है उसका एलीट सेक्टर, राइट। तो क्रॉप इज यू नो अगर हमें क्रॉप सेक्टर की बात करो तो देखो, ये जो ऊपर ग्रीन वाला लाइन है ना, ये है क्रॉप सेक्टर। ये 2011-12 में 65% था, अभी ये 55% पे आ गया है, मतलब ये कम हुआ है। अभी आप ये समझो, मैं आपको समझाता हूँ आगे चल के, मैं इसको पूरा पढ़ लूँ। उसके बाद 2011-12 में आप देखो, लाइव स्टॉक धीरे 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 ये बढ़ रहा है। अब डेटा से हमको क्या समझ में आता है? देखो, ये ग्राफ देख के आपको ये समझ में आ रहा होगा कि क्रॉप सेक्टर इज डिक्लाइनिंग। आई वुड से नो, इट्स नॉट डिक्लाइनिंग। हाँ, इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज ये गिर जा रहा है। रीजन, लाइव स्टॉक तेजी से ऊपर जा रहा है। मतलब देखो, इन टर्म्स ऑफ एक्चुअल नंबर्स ये कम नहीं हुआ है, ये बढ़ा ही है, लेकिन इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज ये कम हुआ है बिकॉज लाइव स्टॉक बढ़ रहा है। अब इस लाइन को फिर से पढ़ो, अब आपको समझ में आ जाएगा। दो दी क्रॉप सेक्टर इज स्टिल मेजर कॉन्ट्रीब्यूटर टू एग्रीकल्चर जीवीए, ये एग्रीकल्चर का ग्रॉस वैल्यू एडिशन है, राइट। दी लाइव स्टॉक सेक्टर इज कैचिंग अप परसेंट, ये देखो लाइव स्टॉक सेक्टर धीरे धीरे ये गैप को कम कर रहा है। यहाँ कितना बड़ा गैप था कंपैरिजन में, यहाँ कितना सा गैप रह गया। सो प्रोबेबली इन फ्यूचर या आगे चल के, है ना, ये कुछ गैप इस प्रकार रहेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि देश में जो क्रॉप सेक्टर है वो भी बढ़ रहा है, लेकिन जो उसका एलीट सेक्टर है ना एग्रीकल्चर का, वो भी आगे आ रहा है। सो दैट शोज दैट देर इज ए रोबस्ट यू नो ग्रोथ इन द एग्रीकल्चर सेक्टर एज ए ओवरऑल। आई होप ये आपको समझ में आ गया। अच्छा, इसके बाद हम बात करेंगे कॉपरेटिव सोसाइटीज की। कॉपरेटिव का मतलब क्या है? जो कस्टमर्स है वही घूम फिर के ओनर होते हैं। तो मल्टी स्टेट कॉपरेटिव, मतलब अलग अलग स्टेट में फैला हुआ अगर कॉपरेटिव बिजनेस है, तो इस पे कौन सा टॉप 10 मेजर स्टेट्स हैं, ये आपको सवाल पूछ सकता है। सो महाराष्ट्र इज एट द टॉप, फॉलोड बाय दिल्ली, उत्तर प्रदेश एंड सो ऑन। अब महाराष्ट्र और दिल्ली के बीच का आप डिफरेंस देखो बिटवीन फर्स्ट एंड सेकेंड, यू नो इट्स ह्यूज। अगेन यू नो आई वुड वेट फॉर 10 सेकेंड्स हियर, सो दैट इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क, देन आई विल मूव टू चैप्टर 9। ओके, आई थिंक देर इज नो क्वेश्चंस, लेट्स मूव टू नंबर 9, इंडस्ट्री स्टेडी रिकवरी, राइट। सो अब हम बात करेंगे इंडस्ट्री की। सो अब जो चैप्टर्स है ना, ये बहुत छोटे छोटे चैप्टर्स है, इट वोंट टेक मच टाइम, सो बी देयर विथ मी फॉर द नेक्स्ट 15 मिनट्स में ये खत्म हो जाएगा। सो ओवरऑल अगर हम जीवीए की बात करें, बाय द इंडस्ट्रियल सेक्टर इट रोज 3.7%,
बेस्ड ऑन द डेटा अवेलेबल फॉर द फर्स्ट हाफ ऑफ फाइनेंशियली 23। तो जीवीए में इंडस्ट्रियल कितना रेस किया है, इट्स 3.7%, राइट। तो ये है, अब अगर इसको आप कंपेयर करोगे किससे कि लास्ट डिकेड के एवरेज से जो कि 2.8% था, सो दैट शोस कि एक रोबस्ट ग्रोथ तो इंडस्ट्री सेक्टर पे आया है, राइट। बाकी ये जो सारा चीज़ है ये आपको आपके पढ़ने के लिए है, आप जब भी डाउनलोड करोगे आप इसको पढ़ लेना। मैं बेसिक आपको बता देता हूँ, चाइना का जो लॉकडाउन पॉलिसी था वो है ना, मतलब ये ग्रोथ क्यों आया है, बेसिकली व्हाई यू सी दिस ग्रोथ इन ए वेरी शॉर्ट अमाउंट ऑफ टाइम, उसके पीछे का वजह बहुत सारा है। वजह ये है कि चाइना एक तो रवि प्रकाश यू आर आस्किंग ए क्वेश्चन, इट इज इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर ऑल मिलिट स्टेट्स फॉर आरबीआई। नहीं, फॉर आरबीआई आपको मतलब एज सच सब याद नहीं भी रखोगे तो चलेगा, बट हाँ इंटरनेशनल ऑफ ईयर ऑफ मिलेट्स हैं, यू शुड नो, एटलीस्ट यू नो यू शुड ट्राई। मतलब ऐसा नहीं है कि मैं नहीं बता दूं तो आप पढ़ोगे ही नहीं, ऐसा नहीं है, राइट। यू कैन गेट अ क्वेश्चन, आई कैन नॉट से कि आपको क्वेश्चन नहीं आएगा आरबीआई में, नबार्ड में तो आएगा, बट आरबीआई में यस चांसेस आर लेस, बट यू शुड रीड बिकॉज इट्स यू नो समथिंग ऑफ इंडियन कॉन्टेक्स्ट adopted by the entire world। वो इंडिया ने दुनिया के सामने रखा कि चलो इस साल हम इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स मनाते हैं, तो वो हमको जानना जरूरी है ना, when the entire world is celebrating that international year of millets। So हाँ, यहाँ पे मैं क्या बता रहा था, इंडस्ट्रियल सेक्टर में ऐसा ग्रोथ क्यों देखने को मिला, what survey has to say। देखो जो चाइना का लॉकडाउन पॉलिसी था ना वो थोड़ा सा अलग था, मतलब शुरू में जब सारे देश लॉकडाउन लगाए तब चाइना का बिजनेस अच्छा चल रहा था बिकॉज दे वेर फॉलोइंग ए डिफरेंट प्लानिंग, बट उनका प्लानिंग उनको ही बैकफायर किया आगे जाके व्हेन दे हैड टू गिव अप देयर जीरो कोविड पॉलिसी, बिकॉज चाइना में इंटरनली कोविड राइज हो रहे थे, जिस वजह से उनका जो ग्लोबल सप्लाई है, क्योंकि चाइना ना बहुत ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग में इन्वॉल्व है, तो उनका वो मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी धीरे धीरे कम होता गया, एंड उस टाइम पे इंडिया धीरे धीरे रिफॉर्म्स पुश करता गया। PLI schemes is one of the major thing. PLI के थ्रू वी वेर एबल टू अट्रैक्ट फ्यू मेजर प्लेयर्स इन इंडिया, मतलब सिंपल टर्म में आज देखो, आज एप्पल डिवाइस इंडिया में मैन्युफैक्चर हो रहा है, सैमसंग का डिवाइस तो बहुत पहले से हो रहा है, सो एप्पल इज वन ऑफ द रेनाउंड ब्रांड इन इन द वर्ल्ड, राइट। इट्स अ ब्रांड, मतलब इट्स नॉट ए प्रोडक्ट, वो प्रोडक्ट बाद में है, सबसे पहले वो लाइफस्टाइल ब्रांड है, इट्स अ ब्रांड। तो वो ब्रांड का कुछ चीज इंडिया में बन रहा है, व्हाई, इट्स बिकॉज ऑफ द पॉलिसी अडॉप्टेड बाई द गवर्नमेंट, राइट। तो ऐसे ही डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स में अभी आप देखोगे गुजरात में C-295 एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरर हो गए, राइट। तो ऑल दोज थिंग्स आर बिकॉज ऑफ द पॉलिसी, जिस वजह से देर इज अ ग्रोथ इन द इंडस्ट्री, राइट। सो चाइना बींग वन ऑफ द मेजर फैक्टर यहाँ पे जो सर्वे में बताया गया। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट इस पे, इंडस्ट्री स्टील रिकवरी। तो देखो इंडस्ट्री का जो रिकवरी है उसका समझने का सीधा सिंपल तरीका है PMI। हर मंथ मैं PMI के डेटा आपको करंट अफेयर के थ्रू पढ़ाता हूँ। PMI अगर 50 से ऊपर है तो क्या है, एक्सपेंशन, उससे नीचे है तो कॉन्ट्रैक्शन। अब ये मैन्युफैक्चरिंग में नहीं, ये सर्विस में भी काम करता है, ठीक है, सर्विस में भी काम करता है। अगर आप इंडस्ट्री मतलब सेक्टर वाइज FDI इनफ्लो देखोगे तो ये है आपका डेटा आपके सामने, राइट। ओवरऑल शेयर इन GVA MSME वर्सेस मैन्युफैक्चरिंग, वो डेटा कुछ इस प्रकार है, मतलब ऑलमोस्ट सेम ओवर द लास्ट 5 years, राइट, 5 to 6 years। MSME एक्सपोर्ट की बात करोगे तो एक टाइम पे ज़्यादा था लेकिन अभी ये थोड़ा सा कम हुआ है, ठीक है। सो दिस इज हाउ द डेटा लुक्स। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट स्लाइड पे, वो है इंडस्ट्री स्टडी रिकवरी। तो देखो अगेन यहाँ पे PLI स्कीम हेल्प किया है, जो सारा चीज़ मैंने पहले डिस्कस किया है इन जनरल, मतलब जनरलाइज वे पे अभी आप इसका डेटा देख सकते हो, राइट। मेडिकल डिवाइसेस पे किस तरीके से गवर्नमेंट हेल्प किया है, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री को किस तरीके से गवर्नमेंट हेल्प किया है, फेम यू नो एडॉप्शन, मतलब कई बार क्या होता है ना, एक इंडस्ट्री को ग्रो करने से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इंडस्ट्री को, मतलब इंडस्ट्री का नींव रखना, उस इंडस्ट्री को बनाना, लाइक EV मार्केट, यू नो देर इज नो सच EV मार्केट दैट वेर एग्जिस्टिंग मे बी 2 years बिफोर 2022, 2020 के आसपास कोई EV मार्केट नहीं था, लेकिन आज के दिन में देर इज एन EV मार्केट, एंड हाउ इज दैट पॉसिबल, दैट इज पॉसिबल बिकॉज ऑफ द गवर्नमेंट पॉलिसी लाइक FAME 1, यू नो FAME 2,
गाड़ी कॉस्टली है। आज आपके दिन आप लेने जाओगे गाड़ी तो आप देखोगे कि ऑलमोस्ट 20 to 30% ऑफ दी यू नो कॉस्ट इज बियर्ड बाय द गवर्नमेंट एज अ सब्सिडी फेम टू स्कीम में। उसके बाद कुछ स्टेट गवर्नमेंट उसके ऊपर सब्सिडी देते हैं। सो एज ए कंज्यूमर यू नो वी ऑल्सो फील कि हाँ चलो ले लेते हैं बिकॉज गवर्नमेंट इज सपोर्टिंग। सो दिस इज हाउ एन इंडस्ट्री यू नो गेट एस्टेब्लिश्ड एंड ऑल्सो कंजम्पशन हैबिट भी चेंज होता है। तो यहाँ पे क्या लिखा है, कंजम्पशन एनहैंसिंग इंसेंटिव स्कीम, मतलब गवर्नमेंट ने सपोर्ट किया, आज भी गवर्नमेंट फेम टू स्कीम में सब्सिडी दे रही है जिस वजह से लोग अट्रैक्ट हो रहे हैं उसके पीछे, दोज़ हू नो इट, राइट। सो या दिस वॉज ऑल अबाउट चैप्टर 9। नाउ विल मूव टू चैप्टर 10। ठीक है, आई विल वेट फॉर 10 सेकेंड्स, आपको कुछ डाउट है तो पूछो। ओके, आई होप देर इज नो क्वेश्चन, मतलब कोई तो पूछ ही नहीं रहा है क्वेश्चन, तो बढ़ते हैं आगे। सो चैप्टर नंबर 10, सर्विस सोर्स ऑफ स्ट्रेंथ, राइट, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। देखो सर्विसेज को सोर्स सोर्स ऑफ स्ट्रेंथ बोला गया, व्हाई, बिकॉज इट वाज द सर्विस इंडस्ट्री जो नेट क्या बोलते हैं उसको, मतलब जो डॉलर लेके आ रही है नेट, मतलब वो नेगेटिव में नहीं है, क्या है वो हम आगे समझते हैं। देखो अगर हम सर्विस की भी बात करें तो एक्सपेक्टेड ग्रोथ कितना है, 9.1% फाइनेंशियल ईयर 23 में, विच इज़ अगेन वेरी गुड। ठीक है, बैंक क्रेडिट टू द सेक्टर ग्रो एट 21.3%, आईटी बीपीएम का जो रेवेन्यू है वो 15.5% से बड़ा है। उसके बाद जेम पोर्टल के थ्रू 1 लाख करोड़ का वर्थ एनुअल प्रोक्योरमेंट किया गया है फ्रॉम द सर्विस इंडस्ट्री, विच इज़ अगेन वेरी ह्यूज। एंड जेम पोर्टल पे बेचने वाले लोग कौन है ये सोचो। अच्छा मैं एक ना जेम पोर्टल का आपको ये बता देता हूँ, हो सकता है आपको पता नहीं, गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस। बेसिकली जेम पोर्टल इज यू नो इट्स लाइक फ्लिपकार्ट एंड अमेजोन फॉर द गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। मतलब गवर्नमेंट को मान के चलो अगर स्टेशनरी का सामान भी खरीदना है ना, दे विल हैव टू प्रोक्यूर इट फ्रॉम जेम, एक सिंपल टर्म्स में समझो, राइट। ऑल द प्रोक्यूरमेंट्स आर डन थ्रू द जेम पोर्टल। अभी तो उनको इंस्ट्रक्शन है गवर्नमेंट एजेंसीज को, स्टेट गवर्नमेंट को, जितने भी पब्लिक सेक्टर यूनिट्स हैं, सीपीएसईस हैं, सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज, सबको। तो आप सोचो सर्विस इंडस्ट्री से 1 लाख करोड़ वर्थ एनुअल प्रोक्यूरमेंट हुआ, अब ये बेच कौन रहा है, छोटे छोटे रिटेलर्स जो देश के इधर उधर बैठे हुए हैं। ऑब्वियसली देर आर यू नो देर आर मीडियम टू बिग प्लेयर्स एज वेल, बट मेजोरिटी ऑफ देम आर दी स्मॉल प्लेयर्स जो डायरेक्टली गवर्नमेंट को बेच पा रहे हैं सामान थ्रू जेम पोर्टल। सो 1 लाख करोड़ का सामान उन्होंने बेचा। देन इंडिया रैंक 10th आउट ऑफ द टॉप 46 कंट्री इन द वर्ल्ड इन द मेडिकल टूरिज्म इंडेक्स FY21, राइट। तो देखो ये एमसीक्यू मटेरियल है। देन इंडिया फिनटेक एडॉप्शन रेट इज 87% एज इन वर्ल्ड एवरेज ऑफ 64%। सो जो फिनटेक एडॉप्शन, मतलब यूपीआई इज वन ऑफ द एग्जाम्पल, राइट। ये फिनटेक एडॉप्शन क्या है, इस वर्ड के मीनिंग को समझते हैं। जब यूपीआई आया यू नो मेनी पीपल वेयर रिलेक्टेंट, क्या यूज करना है पैसा अगर कट गया तो ये, बट आज के दिन में लोगों को वो डर नहीं है, पीपल नो, राइट, इट्स फ्लॉलेस। इवन इफ यू नो मतलब कई लोगों का पैसा कट भी जाता है, दे नो कि वो 2 दिन बाद वापस आ जाएगा। सो दैट्स द काइंड ऑफ सिस्टम आवर रेगुलेटर्स हैव मेड, राइट, जिस वजह से एडॉप्शन रेट इज एट द हायर साइड। 87% का एडॉप्शन रेट, वर्ल्ड का एवरेज कितना है 64%। तो आप सोचो मतलब कल के दिन में आरबीआई या कोई भी दूसरा रेगुलेटर कोई फिनटेक मतलब फाइनेंशियल प्रोडक्ट हमको ला के देता है ना, सो यू नो वी एज अ सिटीजन वुड बी वेरी मच अडॉप्टेड टू, क्योंकि हम वो ट्रस्ट को उन रेगुलेटर्स ने गेन किया है ऐसे प्रोडक्ट डिलीवर करके, यूपीआई जैसा, राइट। सो दैट इज कॉल्ड एडॉप्शन रेट, विच इज एट 87%, वर्ल्ड एवरेज तो 64% ही है। अच्छा अब हम सर्विस सेक्टर की और भी कुछ बात करेंगे। पीएमआई सेक्टर स्ट्रॉन्गेस्ट है, मतलब जुलाई 2022 के बाद से वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग था। उसके बाद क्रेडिट ग्रोथ टू सर्विस सेक्टर अबाउट 15%, 75 DBUs। ये जो DBU है, डिजिटल बैंकिंग यूनिट, आपको याद होगा पिछले साल यूनियन बजट में इसको अनाउंस किया गया था, बट ये अगस्त के बाद ही गवर्नमेंट ने इसको इस पर काम करना शुरू किया एंड इट्स ऑल डन। 75 DBUs ऑलरेडी है ना गवर्नमेंट ने सेट कर दिया है। फैशन ग्रॉसरी एंड जनरल मर्चेंडाइज टू कैप्चर नियरली 2/3 ऑफ द इंडियन ई कॉमर्स मार्केट बाई 2027 एंड सो ऑन।
ये सारा चीज आप देख सकते हो। अच्छा, देन अकाउंट एग्रीगेटर फ्रेमवर्क ट्रांसफॉर्मिंग इंडियाज फाइनेंशियल सर्विस। तो ये जो अकाउंट एग्रीगेटर आ रहा है, राइट, मतलब आ गया है ऑलरेडी, बट मोर एंड मोर पीपल आर ज्वाइनिंग इन। अभी एज पर दी यू नो इफ आई रिमेंबर इट करेक्टली, आई थिंक सबसे लेटेस्ट जिसने ज्वाइन किया है वो है GSTN नेटवर्क। उन्होंने अकाउंट एग्रीगेटर प्लेटफॉर्म को ज्वाइन किया है, राइट। बेसिकली होगा क्या, इट इट वुड बी ए यू नो इंफॉर्मेशन प्रोवाइडर टू द बैंकिंग सिस्टम दैट विल हेल्प एवरीवन। यू नो मतलब बैंक बहुत ज़्यादा अभी सिबिल पे रिलाई नहीं करेगा। अभी क्या होता है, आप लोन लेने जाओगे तो सिर्फ सिबिल के डेटा को ही बैंक वेरीफाई कर पाता है, बट वेन द अकाउंट एग्रीगेटर फ्रेमवर्क इज यू नो एप्लीकेबल इन द एंटायर नेशन, आप जब लेने जाओगे तो आपका हर एक चीज देखा जाएगा। नॉट ओनली सिबिल, आपके पास कितना स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट है, आपका कितना इंश्योरेंस सेक्टर में पेनिट्रेशन है, आपके पास कितने प्रॉपर्टीज है, आप कितना, अगर आप बिजनेस में हो, MSME हो, तो आप GST कितना फाइल करते हो, सारा चीज इंफॉर्मेशन थ्रू अकाउंट एग्रीगेटर फ्रेमवर्क मिल जाएगा। सो बेसिकली इट वुड ट्रांसफॉर्म दी फाइनेंशियल सर्विसेज। मतलब आज जिनको लोन नहीं मिल रहा है यू नो बिकॉज ऑफ क्रेडिट वर्दीनेस, उनको लोन मिलने लगेगा बेस्ड ऑन दी अदर फैक्टर्स, राइट। तो आज के दिन में अकाउंट एग्रीगेटर में कौन कौन है, सेबी है, IRDA है, राइट, GSTN नेटवर्क है, सो दिस आर द मेजर प्लेयर्स, राइट, विच कैन गिव। IRDA है इसका मतलब इंश्योरेंस का सारा डिटेल मिलेगा, GSTN है मतलब GST का सारा डेटा मिलेगा, सेबी है मतलब स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट का सारा डेटा मिलेगा, दैट्स इट, राइट। सो दैट इज हाउ दी इंडस्ट्री इज यू नो रिवाइविंग फिर से। देन डीमटेरियलाइजेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स, द नेक्स्ट वेव ऑफ डिजिटल डिजिटाइजेशन। डीमटेरियलाइजेशन का मतलब क्या है, हार्ड पेपर मतलब कोई भी जो पेपर है, एग्रीमेंट है, उसको इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कन्वर्ट कर देना, दैट इज कॉल्ड डीमटेरियलाइजेशन, डीमैट, राइट। तो वो काम होगा आगे चल के, मतलब प्रॉपर्टी के पेपर्स हो गए, है ना, बाइक का पेपर हो गया, मतलब कार का पेपर हो गया, ये सारा चीज क्या होगा, डिजिटल फॉर्म में होने लगेगा, राइट। इट वुड नॉट बी एनी मोर पेपर। तो ये सारा काम इज द नेक्स्ट वेव ऑफ डिजिटलाइजेशन। ओके, विद दिस वी आर डन विद चैप्टर नंबर 10। लेट्स मूव टू चैप्टर नंबर 11, विच इज अगेन चैप्टर 11 और चैप्टर 12 आर वेरी शॉर्ट, राइट। मैंने जो बोला था 15 मिनट, आई होप 7-8 मिनट बचा है उसमें खत्म हो जाएगा। तो आई वुड नॉट वेट हियर, आपके जो भी सवाल है ना आप लिखते रहो, आई विल टेक अप एट द एंड। लेट्स बिगिन विद द एक्सटर्नल सेक्टर। एक्सटर्नल सेक्टर में क्या है, जो मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट है ये 332.8 बिलियन हुआ अप्रैल दिसंबर 2022 में, 16% ग्रोथ हुआ सेम पीरियड 2021 का। इंडिया इज द सेवेंथ लार्जेस्ट सर्विस एक्सपोर्टर इन द वर्ल्ड, MCQ मटेरियल है, आपको याद करना है। उसके बाद लार्जेस्ट रिसिपिएंट्स ऑफ रेमिटेंस इन द वर्ल्ड इन 2022 एस्टिमेटेड बाय वर्ल्ड बैंक, राइट। तो ये रिसिपिएंट का डेटा है आपका, आप देख सकते हो। नंबर वन इज इंडिया, नंबर टू इज मेक्सिको, चाइना, फिलीपींस एंड सो ऑन, ठीक है। उसके बाद अब ये सिंपल सी बात है ना, मतलब क्यों, वाई इंडिया इज द टॉप रेमिटेंस यू नो रिसिपिएंट्स, रिसीवर एंड पे क्यों है, बिकॉज इंडियन डायस्पोरा वो हर कंट्रीज में अवेलेबल है। हाउ, मे बी इन द न्यूज ऑल्सो यू हैव सीन, जब प्राइम मिनिस्टर किसी भी देश में जाते हैं यू सी पीपल वेलकम यू नो हिम, बहुत जोरों शोरों से वेलकम करते। तो ये लोग कौन है, ये तो इंडियंस है। सो यू नो वी एज एन इंडियन, हमारे डायस्पोरा तो हर कंट्री में एक यू नो मेजर सोसाइटी फॉर्म करता है। मतलब दे आर नॉट यू नो वन आर टू पीपल, देर आर ह्यूज नंबर ऑफ पीपल वर्किंग इन ऑलमोस्ट ऑल द डेवलप्ड नेशन इन द वर्ल्ड। तो जिस वजह से वो जब पैसा भेजते हैं बैक इन इंडिया, इट काउंट्स इन दिस डेटा, टॉप रेमिटेंस रिसीवर, ठीक है। सो इंडिया बेटर प्लेस इन टर्म्स ऑफ कंफर्टेबल फॉरेक्स रिजर्व एंड हैव लो एक्सटर्नल डेट रेशियो, ठीक। हमारा जो भी रिजर्व है वो बहुत ही कंफर्टेबल लेवल पे है, तो हमको शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म में कोई मतलब यू नो एक्सटर्नल प्रेशर फील करने की जरूरत नहीं है, द काइंड ऑफ फॉरेक्स दैट वी आर वी हैव। ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट थिंग, दैट इज इंडिया ट्रेड कैचिंग अप विद द ग्लोबल ट्रेड। अगर मैं ग्लोबल ट्रेड की बात करूँ, विच इज हैज 56.5% ऑफ द GDP, ये एवरेज है पूरी दुनिया का, इंडिया का कितना है 45.3। तो मतलब ये गैप जितना कम होगा उतना ज़्यादा हमारे लिए अच्छा है, दैट वी आर कैचिंग अप विद द ग्लोबल ट्रेड लेवल। ऑब्वियसली वी विल हैव टू इंक्रीज अवर लेवल, बट अगेन वी विल ऑल्सो हैव टू थिंक कि हम ये गैप को कम कर रहे हैं, एंड दैट्स दिस साइन ऑफ यू नो गोइंग और मूविंग टूवर्ड्स राइट डायरेक्शन।
तो ये भी आपको याद करना है 45.3। आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं ट्रेंड्स इन मर्चेंडाइज इंपोर्ट। तो देखो ये डेटा मुझे आपको ना मतलब एक जो मैंने पहले बात की थी उसको समझाने के लिए दिखाना है। एज सच इस डेटा से बहुत ज़्यादा टेक अवे नहीं है, बट यू शुड नो सर्टेन थिंग्स। तो अभी आप क्या देख रहे हो, देखो टोटल एक्सपोर्ट ये ऑरेंज पे रिप्रेजेंटेड है एंड टोटल इम्पोर्ट ये ब्लू पे है। तो मतलब हम इम्पोर्ट ज़्यादा कर रहे हैं, एक्सपोर्ट कम कर रहे हैं इन मर्चेंडाइज ट्रेड बैलेंस। तो ट्रेड बैलेंस कितना है, -74.6, मतलब यहाँ पे हमारा डॉलर आउटफ्लो है। लेकिन यही चीज़ अगर हम सर्विस साइड पे देखें, सर्विस ट्रेड की बात करें, तो आप देखो सर्विस एक्सपोर्ट ग्रीन वाले लाइन से रिप्रेजेंटेड है एंड सर्विस इंपोर्ट इस पे रिप्रेजेंटेड है ब्लू वाले पे, है ना। तो अब देखो कितना कम है, तो इसका मतलब कुछ तो डिफरेंस है। ये जो डिफरेंस है दिस इज पॉजिटिव, मतलब सर्विस सेक्टर जो है वो यहाँ पे जो डॉलर कमी हो रही है वो डॉलर सर्विस सेक्टर से पूरा है। ऑल्दो पूरा पूरा नहीं हो रहा है, स्टिल वो डेफिसिट रह जाता है ओवरऑल, बट येस दिस 35 इज द नेट इनफ्लो ऑफ डॉलर, राइट। सो आई होप ये आपको समझ में आया होगा। कुछ डाउट है तो प्लीज आप पूछो। विद दिस आई विल मूव टू द लास्ट चैप्टर, दैट इज फिजिकल एंड डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, दैट इज चैप्टर नंबर 12। तो देखो इस चैप्टर में एज सच कुछ बहुत बड़ा असेसमेंट्स नहीं है। इस चैप्टर में ना वो सारा चीज़ है जो आपने पूरे साल भर में पढ़ा है, कि नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन में क्या होगा, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में क्या हुआ है, नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन में क्या हुआ है, राइट। तो ये सारा चीज़ मुझे लगता है कि आपको पढ़ना चाहिए, बिकॉज इसमें समझाने का कुछ नहीं है। ऑब्वियसली इफ देर इज एनीथिंग प्लीज लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन, बट दिस इज मोर यू नो यू शुड स्टडी, बिकॉज ये डेटा बेस्ड भी है। एंड द सेकेंड थिंग, ये सारा चीज़ आप पढ़ चुके हो, नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन, राइट, नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन, व्हाट इज पीएम गति शक्ति। सो यू विल अगेन हैव टू रीलुक एंड ट्राई टू सी इट फ्रॉम यू नो हाउ गवर्नमेंट इज क्रिएटिंग दिस इंफ्रास्ट्रक्चर्स, यू नो, सो दैट वही जो पहले हमने पढ़ा था, क्या सर्विस डिलीवरी एंड जो बेसिक लाइफ है लोगों का वो एनहेंस हो जाए, राइट। तो उस परस्पेक्टिव से आपको इसको पढ़ना है। जैसे UPI has touched its highest ever mark of 782 crore transaction in December 2022. National monetization pipeline 9 lakh crore investment potential hai, right? PM Gati Shakti is an umbrella, you know, and scheme which would help, mobilize things faster. Aur wo seamless ban jayega PM Gati Shakti se. National logistic policy for making Indian logistics competitive globally, and so on. With this, you know, we are done with the economic survey. But यहाँ पे बिफोर आई से टाइम फॉर द क्वेश्चन, लेट मी रिमाइंड कि कल वी विल ब्रिंग द यूनियन बजट अगेन लाइव सेशन बाई मी। बट हाँ, कल थोड़ा सा जल्दी होगा बिकॉज यूनियन बजट इतना बड़ा नहीं होता है, इकोनॉमिक सर्वे तो 400 पेज का होता है। सो यू नो आई हैव टू रीड द 400 पेज एंड द वीडियो, सो थोड़ा टाइम लग गया, बट येस टुमारो वी वुड कम आउट लिटिल अर्ली एंड होप टू सी यू इन टुमारोज वीडियोज एज वेल। Thank you for watching. If you have any question, please ask. हाँ जी, रवि प्रकाश मौर्य, yes, it is the summary of what happened in last year and also, you know, कुछ factors को देख के the survey, you know, gives a direction to the government. Although those are not binding. मतलब survey में जो चीज लिखा हुआ है वो government के ऊपर binding नहीं है कि government को मानना है. उसमें क्या suggest करते रहती है कि हाँ आपने ये किया है, आपको और ऐसे करना है तो ऐसा होगा, राइट। सो इट्स फ्रॉम द आई ऑफ एन इकोनॉमिस्ट टू द गवर्नमेंट, बट गवर्नमेंट के ऊपर ये बाइंडिंग नहीं है कि गवर्नमेंट को मानना ही होगा। आई थिंक आपको क्लियर हो गया रवि प्रकाश मौर्य, ठीक है। अच्छा तोमित, आप जो बोल रहे थे ना, तोमित, ओके, यू वर टेलिंग अबाउट द क्लासेस। सो आई वुड से तोमित, क्लासेस तो ऑलरेडी शेड्यूल्स है, नो वरी अबाउट इट। इसके बाद भी आपको कुछ डाउट है तो प्लीज गेट इन टच विथ योर मेंटर। You will not miss Tomit. आपने सेकेंड वाले कॉमेंट में नहीं पढ़ा, मैं अभी पढ़ रहा था। You will not miss. ये तो आज ही हुआ ना, मतलब इकोनॉमिक सर्वे तो आज ही हुआ। एंड सुशील सर क्लास लेंगे, लाइव क्लास वुड बी टेकन बाई सुशील सर, दोनों का, इकोनॉमिक सर्वे का एंड बजट का भी। सो यू आर नॉट गोना मिस एनी थिंग। ओके, सो इफ देर इज नो क्वेश्चन देन यू नो इट वुड बी राइट टाइम आई से गुड बाय। ओके, अच्छा रवि प्रकाश, वन क्वेश्चन फ्रॉम चैप्टर 1, हाँ प्लीज पूछिए।
रवि प्लीज आप थोड़ा सा क्वेश्चन जल्दी पूछिए. यू वॉन्ट मी टू गो टू चैप्टर वन? ओके. रवि आप कौन से ग्राफ की बात कर रहे हो? अच्छा एक मिनट, मैं थर्ड ग्राफ बोल रहे हो ना? ओके रवि, आप एक बार बताओ, दिस इज द फर्स्ट ग्राफ, दिस इज द सेकेंड, दिस इज द थर्ड. आप इसकी बात कर रहे हो क्या? आई थिंक यू आर टॉकिंग अबाउट दिस वन. दिस वन इज द थर्ड ग्राफ, राइट? सो देखो इसमें क्या है, पूरे साल भर में जो डिफरेंट डिफरेंट एजेंसीज है ना, जैसे स्टैंडर्ड एंड पुअर, एशियन डेवलपमेंट बैंक, मूडी, फिच, ये अलग अलग अपने अपने व्यूज दिए कि इंडियन इकोनॉमी कितने परसेंटेज से ग्रो करेगा, राइट? तो वो सारा चीज को एक ग्राफ में लिया गया एंड इसके अगेंस्ट में एक एवरेज निकाला गया. मतलब इकोनॉमिक सर्वे में इसको निकाला गया एवरेज, तो एवरेज निकल के आया 6.9%, राइट? सो दिस इज वॉट इकोनॉमिक सर्वे हैज सेड कि इंडियन इकोनॉमी ये कहीं ना कहीं 6.9% के आसपास ग्रो करेगा. अच्छा रवि, यू आर सेइंग इट्स नेक्स्ट, इज इट दिस वन? अच्छा चलो ये भी मैं एक बार बता ही देता हूं. ओके श्रद्धा, टुमारोज टाइमिंग, सी टुमारोज टाइमिंग, यू नो आई कैन नॉट कमिट इट राइट नाउ, बट इट वुड बी समवेयर बिटवीन, यू नो, 4 to 5 PM, मतलब या तो 4 बजे या 5 बजे. इट कंप्लीटली डिपेंड कि फाइनेंस मिनिस्टर कितने बजे अपना स्पीच खत्म करती है. उसके बाद से आप मान के चलो 2 घंटा में वी वुड बी लाइव. सो प्रोबेबली इफ यू कम टू द चैनल टुमारो मॉर्निंग, यू विल सी द टाइमिंग, वी विल गिव एन एस्टिमेटेड टाइमिंग, उस टाइमिंग पे विल कम लाइव, ठीक है? चलो यू नो लेट मी एक्सप्लेन यू दिस वन. तो देखो इस पे क्या है, सीपीआई इन्फ्लेशन इज बैक टू आरबीआई टारगेट रेंज. आरबीआई का टारगेट रेंज क्या था? आरबीआई का टारगेट रेंज है हमेशा 2 से 4%, सॉरी 2 से 6%. देखो जो मॉनिटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क है उसके हिसाब से 4% इज द इन्फ्लेशन है ना इन द इकोनॉमी. लेकिन 4% को अचीव एकदम एग्जैक्टली नहीं किया जा सकता, सो दैट्स वाई इट्स प्लस माइनस 2%. तो इससे एक टॉलरेंस बैंड बनता है 2 से 6% के बीच का. सो वेन एवर ये जो आरबीआई टारगेट रेंज बोल रहे हैं ना, टारगेट रेंज का मतलब है कि इसके अंदर में है क्या, राइट? तो ये ग्राफ क्या दिखाता है, ये ग्राफ ये सीपीआई को दिखा रहा है, ये सीपीआई फुट को दिखा रहा है. बट लेट्स टॉक अबाउट दिस ब्लू लाइन सीपीआई. ये सीपीआई फेब 2021 से दिसंबर 2022 तक का किस प्रकार था? तो सी इफ आई हैव टू ड्रॉ दिस, मतलब मैं अगर ये 6 के सीधा सीधा बनाऊं, राइट, ये होगा टॉलरेंस बैंड, लुक एट माई रेड लाइन, राइट? तो ये देखो ये वाला जो एरिया है, ये जो ब्लू लाइन रेड के ऊपर में है, मतलब इस पीरियड पे इन्फ्लेशन आरबीआई के टारगेट बैंड से ऊपर था. अब ये नीचे आ चुका है ना, नवंबर से ये नीचे आ चुका है. आई थिंक नवंबर में सीपीआई, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, इट्स 5.88%. इट्स आइदर 5.88 और 5.85, ठीक है? सीपीआई डब्ल्यूपीआई मतलब इंटरचेंज भी हो सकता है, इसलिए मैंने दोनों डेटा लिख दिया है. तो ये नीचे आया. बट ऑन द अदर हैंड यहाँ पे इकोनॉमिक सर्वे ने ये भी बताया कि इंडिया का जो रुपी है, अब इन्फ्लेशन हाई था, उसके पीछे का वजह बहुत इंटरनेशनल भी था. इंटरनेशनल क्यों था? बिकॉज फ्यूल प्राइसेस, ग्लोबल फूड सप्लाई चेन, ये सारे इंटरनेशनल लेवल पे उसको इफेक्ट कर रहा था. तो इकोनॉमिक सर्वे ये बताता है कि ऑल्दो जो इंडिया का रुपी है इन टर्म्स ऑफ यूएस डॉलर हैज डिप्रिशिएटेड बाई 8.8%, ठीक है, 8.8%. बट इफ यू कंपेयर द अदर करेंसी विथ यूएस डॉलर, लेट्स से साउथ अफ्रीकन रियल विथ यूएस डॉलर, इट्स 16.4% का डिप्रिसिएशन. ब्राजील का करेंसी 11.5%, ऑस्ट्रेलियन डॉलर 10%, ठीक है, इंडोनेशियन रुपया इट्स 8.8%, ठीक है, चाइनीज रुमबी, चाइनीज व्हाट इज इट, आई एम नॉट एबल टू रिकॉल, या इट्स 8.8%. तो ये क्या दिखाता है? अभी आपको क्लियर हुआ किसने सवाल पूछा था? रवि.
तो देखो इससे नेक्स्ट वाला ग्राफ इज इंटरकनेक्टेड. व्हाई? बिकॉज इवन दो यहां पे हमने देखा कि वो 8.8% से डिप्रिशिएट हुआ, जिस वजह से क्या हुआ, डॉलर आउटफ्लो हुआ, बिकॉज हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट हमेशा रहता है, जो हमने बाद में भी चल के देखा है. राइट, सो सी इट्स कनेक्टेड. ठीक है, अब मैं आगे की बात भी यहां पे कर लूंगा बिकॉज मैंने आगे का पूरा लेक्चर आपको पढ़ा दिया है. तो ये जो गैप है, इस गैप को हमने फिल कहां से किया, करंट अकाउंट डेफिसिट का. हमारे पास बहुत अच्छा रिजर्व था, तो आप ये रिजर्व रहने के बावजूद भी व्हाट यू आर सीइंग हियर इज अ डिप इन रिजर्व. यहां पे डिप क्यों है, द क्वेश्चन इज, यहां पे रिजर्व में डिप क्यों है. यहां पे डिप इसलिए है बिकॉज यहां पे जो डिप्रिसिएशन रुपीज 8.8% से हुआ था, उसको आरबीआई कंटिन्यूअसली डिफेंड कर रहा था इन द फॉरेक्स मार्केट. दैट इज व्हाई वी सी द डिप हियर. बट अगेन इट इज गोइंग अप. व्हाई? बिकॉज अभी तो वो 81-82 लेवल पे आ गया है, विच इज ऑल राइट. आई थिंक आपको क्लियर हो गया. ओके, ओके, श्रेया बनर्जी. हाँ जी बिल्कुल. देखो इकोनॉमिक सर्वे एंड बजट से तो बहुत डेटा आपको लिखना है, मतलब यस सी आपके मतलब यू नो द वे यू हैव आस्क्ड क्वेश्चन इज नॉट राइट. क्यों मैं बता रहा हूं, देखो आप आपको मेमोराइज नहीं करना है श्रेया, तो आप क्या करोगे पता है, आपके ऊपर ना एक वो ले लोगे कि अरे मुझे तो याद करना है. याद नहीं करना है आपको, चीजों को समझना है. यू हैव टू कनेक्ट टू द स्टोरी. राइट, देखो सिंपल सा बात है ना, स्टोरी से कैसे कनेक्ट करते हैं. आप देख रहे हो करंट मतलब जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है यहां पे हाई था, उसके बाद ऑल ऑफ अ सडन यहां पे क्यों नीचे गया. तो आपको ये सवाल आप खुद से पूछना है कि ये नीचे क्यों गया. आप अगर ये समझ गए तो यू आर सॉर्टेड. लेकिन अगर आप ये याद करने बैठ जाए कि ये नीचे गया है, दैट इज विट बी दी रॉन्ग थिंग. समझ में आया? सो आपको मेमोराइज नहीं करना है, आपको चीजों को समझना है. राइट, यस, दिस इज गोना हेल्प यू इन ईएसआई डिस्क्रिप्टिव. नॉट ओनली ईएसआई, दिस विल हेल्प यू इन फाइनेंस डिस्क्रिप्टिव एज वेल. ओके, ओके, आई थिंक यू नो, थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर कमेंट्स. सो आई थिंक यू नो इट्स टाइम. Let's close the session. Let's meet tomorrow once again with the union budget. I hope you will be there. So, bye-bye.